सारे क्वेश्चन मैंने कहा है कि एग्जाम में आए हुए हैं, और कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे एग्जाम भी साथ के साथ लिख रखे हैं कि इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन लगेंगे इजी, कुछ क्वेश्चन लगेंगे थोड़े एवरेज, कुछ क्वेश्चन लगेंगे थोड़े से हाई लेवल के। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा, जब मैं आपके समक्ष हूँ तो समझाऊंगा। लिखे हुए इंग्लिश में है, इस बात की टेंशन ना लेना, पर ट्रांसलेट कर करके एक बात बताऊंगा जो हिंदी मीडियम है। तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको ऑडियो वीडियो सही लग रहा है क्या। राधे राधे प्रीति, ठीक है ना, राधे गुड इवनिंग ए के सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा प्रिंटर होगा आपका, आप लोग जो है ना इजिली आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आंसर याद आ रहा है तो, या आंसर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो, पहले तो आप लोगों को ना ये ही पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर होते कौन से हैं, ठीक है ना। ये पता लग जाएगा तो आप इसका आंसर दे दोगे, है ना। तो चलिए मैं आपको ये पता लगवाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रिंटर होता है जिस प्रिंटर को आप लोग कहा करते हो क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हो, और दूसरा प्रिंटर जो है ना उसका आपका नाम क्या पढ़ते हो आप लोग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम लिया करते हो, ठीक है ना। दूसरे का नाम नॉन इंपैक्ट है। अच्छा, जो इंपैक्ट प्रिंटर आपका है ना, इंपैक्ट का मतलब होगा जिसके अंदर आप लोग जैसे कोई छाप छोड़ते हो, ऐसे जैसे एग्जांपल से आपका टाइपराइटर की मशीन है जिसके अंदर आपने ए लिखा तो ऐसे ए पंच गया, ठीक है ना, बी लिखा तो ऐसे बी पंच गया, सी पंच गया, ऐसे पंच लगेगा। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर उस तरीके का काम होता है। इस प्रिंटर के अंदर कोई भी प्रकार की इंक जो है ना वो नहीं होती है, शाही नहीं होती है, एक रिबन होता है, सिंपली याद रखिएगा। ये इसके दो टाइप होते हैं आपके, एक आपका प्रिंटर होता है इसके अंदर, और उस प्रिंटर का नाम होता है आपका क्या, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, यानी कि एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर लिखना, उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहोगे आप लोग। और दूसरा प्रिंटर कौन सा होता है, दूसरे प्रिंटर को आप लोग लिखा करते हो लाइन प्रिंटर के नाम से जाना करते हो, लाइन प्रिंटर, इसी इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है, याद रखना आप लोग, लाइन प्रिंटर। ये यानी कि एक बार में पूरी एक लाइन लिख दे, दैट इज लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरा एक कैरेक्टर लिखे, दैट इज आपका कैरेक्टर प्रिंटर। अच्छा सर, जो ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है इसके एग्जाम्पल है कोई? हाँ बिल्कुल है ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है सर इसके बताइएगा। इस कैरेक्टर प्रिंटर का जो एक एग्जाम्पल है उसको आप लोग कहा करते हो कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जो है ना वो आप लोग जाना करते हैं। और दूसरा कौन सा होता है सर, दूसरा इसके अंदर होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रिंटर होता है, डेजी व्हील। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर एक डॉट मैट्रिक्स है, एक डेजी व्हील है। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन लिख दे उसको लाइन प्रिंटर कहते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इसके भी दो एग्जांपल है, एक इसके अंदर आता है कौन सा चेन प्रिंटर आता है, एक इसके अंदर आता है कौन सा सर, ड्रम प्रिंटर आता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, नॉन इंपैक्ट में कौन से आते हैं? नॉन इंपैक्ट में एक आता है जिसका नाम आपका है क्या, थर्मल प्रिंटर है, जो एटीएम मशीन में यूज होता है। इसका खास किस्म का कागज होता है, वैक्स कॉटेड पेपर जिसको कहते हैं, और उस पेपर मतलब चिकना चिकना सा पेपर होता है, याद रखिएगा। उस पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो वो जो कागज होता है ना आपका, उस पर जैसे हीट पड़ेगी, थर्मल मतलब हीट, जहां जहां हीट पड़ेगी वहां वहां से अक्सर उभर उभर के आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा प्रिंटर कौन सा होता है थर्मल प्रिंटर के बाद में, इसके अंदर आता है आपका इंक जेट, ठीक है ना, इंक जेट प्रिंटर आता है, याद रखना। और तीसरा इसके अंदर कौन सा आता है, तीसरा इसके अंदर आता है लेजर प्रिंटर आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो नॉन इंपैक्ट के अंदर तीन है, थर्मल है, इंक जेट है, लेजर है आपके, ठीक है ना। हालांकि तीन क्यों, एक और दो भी होते हैं। एक आपका होता है जिसका नाम है ECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर भी होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये फास्ट प्रिंटर है आपके जिनसे न्यूज़पेपर वगैरह छापे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रिंटर आपको मैं बता चुका हूं जो आम तौर पे आते हैं सिंपली। अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं जिसका आप आंसर ढंग से दे पाए, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल बताओ। देखो लेजर तो नॉन इंपैक्ट है, पर डॉट मैट्रिक्स तो इंपैक्ट हो गया ना, तो ये करके ऑप्शन गलत हो गया। इंक जेट और डॉट मैट्रिक्स की बात करता हूं, इंक जेट तो आपका नॉन इंपैक्ट है पर डॉट मैट्रिक्स फिर से आपका इंपैक्ट में आ गया तो चला गया, ये तो चलो छोड़ो। इंक जेट और लेजर, दैट इज द राइट आंसर, यही ऑप्शन आपका है जो बिल्कुल ठीक है। ये तो इंपैक्ट का है, तो नॉन इंपैक्ट का एग्जाम्पल इंक जेट और लेजर है। एक बात साथ के साथ आप लोगों को मैं और भी बताने की कोशिश करता हूं कि प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर, इस प्रिंटर का यूनिट क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछ ले तो प्रिंटर का यूनिट अगर आप लोगों को याद रखना है ना तो वो क्या रहेगा, प्रिंटर का यूनिट होता है डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है सर, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है बेटा डॉट पर इंच, ठीक है ना, डॉट पर इंच जो है ना ये डीपीआई का फुल फॉर्म है। अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रिंटर का स्पीड किस में मेजर किया करते हैं, तो प्रिंटर जो होता है ना बच्चा, प्रिंटर का स्पीड मेजर किया करते हैं पीपीएम के अंदर। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है
पेज पर मिनट, ठीक है ना, पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। आगे जाते हैं, शॉर्टकट कमांड सबको पता है क्या होता है, कंट्रोल प्लस में पी होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। अब बहुत इजी है, थोड़ा सा आसानी से बता सकते हो इसको आप लोग, लाइन प्रिंटर की स्पीड आपकी जो है ना स्पेसिफाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में स्पेसिफाइड की जाती है, चलिए जल्दी बताइएगा। लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है ना, वो इनमें से किस टर्म में स्पेसिफाइड की जाती है। सारे आंसर करिएगा इसका, ठीक है, डन। ए ऑप्शन सही है, लाइन पर मिनट, लाइन प्रिंट रहे तो 1 मिनट में कितने लाइन प्रिंट करेगा उसी पे ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन किसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। सरफेस ऑफ द ड्रम किसके सरफेस पे, मैग्नेटाइज, फोटोसेंसिटिव, मैग्नेटिक, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबो। लेजर प्रिंटर की बात की है, लेजर प्रिंटर के अंदर इनमें से कौन सी टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है ना आपका डेटा प्रिंट होता है। तो देखो जब भी बात लेजर की आएगी ना, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि लेजर का मतलब ही लाइट होती है और तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि लाइट, लेजर का फुल फॉर्म भी क्या है आपका, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन। तो लेजर का मतलब ही आपका कुछ ऐसा ही होता है, तो आप समझ जाएंगे। तो दैट इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, फोटो सेंसिटिव सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा, बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये नंबरिंग पे तो मत जाइए पर क्वेश्चन पे देखिएगा बस आप लोग, ठीक है ना, कि सारे पेपरों में पूछे गए सवाल ही हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय, सेम ही तो आ गया, ठीक है ना, मतलब अच्छा सेम क्वेश्चन है पर एग्जाम डिफरेंट हो गया आपका, कहने का मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन अ, हार्ड कॉपी जो है ना इनमें से आप लोग कहां से प्रिपेयर किया करते हो, कैसे ले सकते हो हार्ड कॉपी, लाइन प्रिंटर से, प्रिंटर से हार्ड कॉपी लेते हो क्या, बिल्कुल लेते हो। लाइन प्रिंटर से कैसे हार्ड कॉपी लेते हो सर, हाँ लाइन प्रिंटर से मैं हार्ड कॉपी लेता हूँ रेलवे के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के पास में रेलवे का टिकट, कभी रेलवे में टिकट कटवाई होगी, हाँ, या बिना टिकट ही बैठ जाते हो रेलवे में, कह देते हो कि हमारा तो जान पहचान है, हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं बैठते ना आप लोग रेलवे में टिकट कटा कर, रेल में बैठो कभी भी तो टिकट कटा के बैठा करो, ठीक है ना, ऐसे फर्जी यात्रा मत किया करो चोरों की तरह, हाँ। लाइन प्रिंटर तो हो गया ये वाला। तो अच्छा डॉट मैट्रिक्स की बात करते हो, तो डॉट मैट्रिक्स भी क्या करेगा, हार्ड प्रिंट बिल्कुल करतेगा, कॉपी देगा। प्लॉटर क्या होता है, ये बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर कौन छापता है, प्लॉटर ही छापता है, ठीक है ना। टाइपराइटर, इससे भी तो हार्ड कॉपी आएगा, सरकारी ऑप्शन आ गया जी, ऑल ऑफ दीज इस सवाल का सही आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे। चलिए सर अगला सवाल पढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर का आइटम नहीं है आपका, ठीक है ना, इनमें से हार्डवेयर का आइटम कौन सा नहीं है बताइएगा। पता तो लग गया ना, वही बहुत है, रेलवे डिपार्टमेंट में ट्रेन होती है ना, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म पे बैठते हो रेलवे में, रेलवे का मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों आ गए ना आपका, इसलिए रेलवे टर्म यूज की जाती है उसके लिए। हाँ कह रहे, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का आइटम इसमें से कौन सा नहीं है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, MP3 फाइल हार्डवेयर नहीं है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये तो आपका एक सॉफ्टवेयर या ऑडियो फाइल है, इसको आप एक्सटेंशन में बोला करते हो MP3 बोलते हो, मूविंग पिक्चर थर्ड जनरेशन, ठीक है ना, ऑडियो फाइल आपकी है, ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। हाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि USB इन डेटा केबल स्टैंड फॉर, भाई पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा आपका, ठीक है ना, बताओ प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं। यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ तुम लोग क्या रहेगा आपका, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, किसने सही कहा है, पांचवा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। और कोई पूछे यूएसबी क्या होता है, तो यूएसबी एक पोर्ट होता है, याद रखना, ठीक है ना, कोई पूछे व्हाट इज यूएसबी, यूएसबी एक पोर्ट होता है आपका, इस पोर्ट का नाम ही यूएसबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम दैट हेल्प कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है ना, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम पूछा है आपसे जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में जो है ना वो हेल्प करते हैं, तो इस वाले प्रोग्राम का नाम क्या होगा, इनको क्या कहते हो आप लोग, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करे, राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ये, देखो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करवाने में हेल्प करते हैं, लाइक जिसका एग्जाम्पल आप लोग दे देते हो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो होता है ना, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है जो इनबिल्ट है, इसके बिना आप लोग इनबिल्ट तो क्या, पर मतलब कहने का ये कि इसके बिना आप लोग चला नहीं सकते, कोई कंप्यूटर इसके बिना किस कर्म का ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप लोग बाद में यूज करते हो, लाइक आपके पास में MS Word है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहां एग्जाम्पल तो वर्ड एक्सेल दे रखे हैं, ये सारे एप्लीकेशन के दे रखे हैं, पर राइट आंसर इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना इस चीज़ को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो आता है आपका सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एक तो आता है आपका जिसका नाम है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और दूसरा इसके अंदर आता है उसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, और तीसरा आता है आपका इसके अंदर सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर। ये तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम आपके, ध्यान रखिएगा, पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम सपोर्ट। सिस्टम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मैनेजमेंट के अंदर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप लोग बोला करते हैं विंडो कहिएगा, एंड्रॉयड कहिएगा या iOS कहिएगा, ये सारे एग्जाम्पल किसके, सिस्टम मैनेजमेंट के हम। सिस्टम डेवलपमेंट में जो आता है ना आपका, इसको कहा करते हो आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम दिया करते हो, ठीक है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि आपका भाषा को बदलने वाले, इनका एग्जाम्पल मैं अपने कई सारे सेशन में तुम्हें दे चुका हूं, एक बार मैं यहां पे बता रहा हूं तो फटाफट आपको जरूर बताऊंगा। इसके अंदर एक तो आता है आपका कौन सा, एक तो इसके अंदर आता है इंटरप्रेटर आता है, ठीक है ना, इंटरप्रेटर आता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कौन सा आता है, दूसरा इसके अंदर आता है आपका कंपाइलर आता है, ठीक है, और तीसरा इसके अंदर आता है कौन सा, असेंबलर आता है, ठीक है ना, असेंबलर आता है। तो ये तीन आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, इन तीनों को आप जानते होंगे। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेंज करता है, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन काम करता है ये वाला, ठीक है। ये कंपाइलर है, ये दो मिनट में मैगी बनाने वाला काम है, यूं समझिएगा। ये काम क्या करता है, पेज बाय पेज काम करता है ये, ठीक है ना, पेज बाय पेज, यानी कि जल्दी से पूरा पेज पढ़ेगा और पूरा ट्रांसलेट कर देगा। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का काम होता है आपका असेंबली लैंग्वेज जो होती है आपकी, असेंबली लैंग्वेज, इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर है। और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का सेम ही काम है, बट फर्क ये है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, इस करके ये क्या होता है आपका, इसलिए ये तो होता है आपका स्लो, और कंपाइलर पेज बाय पेज करेगा, इसलिए ये क्या होता है आपका, इसलिए ये होता है फास्ट। लेकिन ये लाइन बाय लाइन करेगा तो ये एक्यूरेट है, धीरे धीरे करेगा तो इसमें एक्यूरेसी है, फास्ट ये काम करेगा तो इसका मतलब है इसमें एक्यूरेसी जो है ना वो थोड़ी सी कम आ जाती है। इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये वाले। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है ना। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है सर, यूटिलिटी का मतलब होता है जैसे आपके टास्क मैनेजर हो गया, सिस्टम ट्रे हो गया, जो साइड में यहाँ पे आपका जो डेट टाइम वगैरह शो करते हैं, ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही होती है आपकी, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे यूटिलिटी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है ना। इसके अंदर लोडर सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो लोड करने में, मेमोरी में डेटा को लोड करने वाले हेल्प करते हैं। लिंकर आते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम को लिंक करने वाले सॉफ्टवेयर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम सपोर्ट के हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, ब्रीफली मैंने आपको कम टाइम में ये सारे बता दिए ताकि आपका एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाकी इसका थ्योरी वाला लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख लेना वहां पे, ठीक है। ऑप्शन कहाँ इसके, क्वेश्चन ही बना दिया बस, ऑप्शन तो गायब कर दिया। चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है अगला, कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टूगेदर।
अब इनमें से ये दोनों एक साथ काम कर पाए इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है आपका? तो ध्यान देना, अभी जो मैंने समझाया था ना उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन। इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, कभी भी सेट ऑफ प्रोग्राम कहे ना तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए, इतनी सी लाइन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कभी भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पूछा जाए ना तो ये तो है सिंपल सा, बस इतना सा ही। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स का ग्रुप ही आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम का ग्रुप ही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक बात हुई, दैट अनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस यानी कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सारे हार्डवेयर हो गए, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड है, पावर है, एक्सेल है, वीएलसी प्लेयर है, आईडीएम प्लेयर है, जो भी आपके ये हो गए हैं, टू वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ काम कर सके। और इन दोनों को काम करवाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही मैनेजमेंट भी आती है, सिस्टम के अंदर यूटिलिटी भी आ जाता है, सिस्टम के अंदर आपकी, सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग तो खैर नहीं आएगी, प्रोसेसिंग तो सीपीयू का काम है, लेकिन हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये दोनों आते हैं, मैंने अभी समझाया था तुम्हें। इनका कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम बनता है या ऐसा एक साइकिल सा बनता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ये हो गया हार्डवेयर, ठीक है ना, ये आपके हो गए हार्डवेयर डिवाइस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके पास में एक साइकिल ये बना और ये आपके हो गए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया आपका, ठीक है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए आपके, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में ये एक ऐसा साइकिल कहाँ है, ये एक साइकिल है जिसको आप लोग क्या कहोगे, जिसको आप लोगों ने कह दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह दिया, ठीक है ना। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने के लिए बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बैठा है। होपफुली आप लोग इस बात को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और इसको पढ़िएगा और इसका सही आंसर करिएगा क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द, एक कंप्यूटर कभी बूट होएगा ही नहीं अगर उसके पास में अगर नहीं हुआ तो, कंपाइलर नहीं हुआ तो बूट हो जाएगा क्या, कंपाइलर हो ना उसे क्या फर्क पड़ता है, तो बाद की बात है जब आप प्रोग्रामर को ट्रांसलेट वगैरह करोगे तो। लोडर, लोडर तब जरूरत पड़ेगा आपको जब आप कंप्यूटर को चलाओगे तब, क्यों, कब, लोडर का काम क्या होता है एग्जैक्ट बताता हूं। जैसे आपने हार्ड डिस्क में कोई गाना चलाया, चल छैया छैया चलाया आपने, तो ये चल छैया छैया आपका हार्ड डिस्क से उठ के सबसे पहले कहां पे आएगा, रैम के अंदर आएगा। तो छैया छैया को हार्ड डिस्क से रैम में लेके कौन आया, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लेके आया इसे लोडर। लोडर का पूरा नाम क्या होता है बता देता हूं, लोडर का पूरा नाम होता है आपका बूट, STRAP, स्ट्रैप, और उसके बाद में आएगा आपका बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना, बूट स्ट्रैप लोडर इसका पूरा नाम होता है आपका, इसका काम ही होता है ये, तो ये तो मतलब नहीं है। तो आंसर क्या बच गया, आंसर बच गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कैसे चलेगा, ये ही तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करेगा। असेंबलर का काम सर ने अभी बताया था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, राइट सर जी। वीडियो को लाइक कर दो एक बार और दबा के शेयर तो कर दो भैया। नेक्स्ट आपका सवाल क्या पड़ रहा है, ये नंबर सवाल जो भी नंबर है, द ब्लैंक्स टेल कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट्स का कैसा हम लोग यूज करना है ये हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा हमें कौन से कंपोनेंट, कंपोनेंट बोले तो सर हमारे पास में माउस लगा हुआ है, हमारे पास में कीबोर्ड लगा हुआ है, हमारे पास प्रिंटर लगा हुआ है, हमारे पास में स्पीकर लगे हुए हैं, इन कंपोनेंट्स का यूज करने के लिए कौन बताएगा कि कैसे इनको यूज करना चाहिए, यूटिलिटी बताएगा क्या, नहीं, यूटिलिटी तो कंप्यूटर जब चल रहा होता है उसकी बैकग्राउंड को संभाल रहा होता है, ठीक है ना। नीचे जो आपका टास्क मैनेजर है उसमें कौन कौन से प्रोग्राम खुले हुए हैं, सिस्टम ट्रे है, टाइम है, नेटवर्क्स है, या कोई वायरस आ गया, कोई एरर आ गया, उन पे काम करता है ये तो, ठीक है, नहीं है, एप्लीकेशन तो नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो बात बच गई किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी हमारा बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द ब्लैंक्स मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनमें से कौन हमें बताता है, कौन सा मैनुअल होता है जिसका एक प्रोग्राम का जब यूज कैसे करना होता है ये हमें बताएगा। तो जब भी आप लोग कोई भी नया साधन लेके आते हैं, साधन लेके आते हैं, जैसे नया एसी ले आए, नया आप लोग कैमरा ले आए, नया कंप्यूटर ले आए, नया सीपीयू, कुछ भी आप नया सामान ले आए, तो उसके साथ में हमेशा क्या आती है, उसके साथ में एक यूज़र मैनुअल आती है, पता हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। उस यूज़र मैनुअल का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है यार, बहुत बेसिक है। यूज़र मैनुअल नहीं आती, एक छोटी सी किताब सी आती है जिसको आप इग्नोर करते हैं, मोबाइल सिम भी ले लो तो भी एक छोटा सा पर्चा सा साथ में आता है, इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन ये होता है कि कंप्यूटर से कैसे बात करना चाहते हो आप लोग,
हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से कैसे बात करोगे आप लोग, हाउ टू डील विद योर कंप्यूटर, कंप्यूटर से आप डील कैसे करना चाहते हो, ठीक है ना। एंड जब कंप्यूटर तो आपको कुछ बोल के बताएगा नहीं, कंप्यूटर तो मतलब कुछ नहीं बताएगा बोल के, वो तो आपको आप जो कहोगे उसी पे काम करेगा, मतलब यूजर डिपेंडेंट है ना, कहने का सेंस ये हुआ। तो यूजर मैनुअल कहेंगे, टेक्निकल तो होगा नहीं, डिजाइनर यहाँ पे होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं और इसका सही आंसर क्या है पढ़िएगा। व्हाट डज द बायोस का, अच्छा बायोस का फुल फॉर्म, इस क्लास का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बायोस का फुल फॉर्म ना आता हो, बायोस का फुल फॉर्म ना आता हो, ऐसा तो शायद ही कोई हो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है भैया। बायोस का फुल फॉर्म तुमने बताया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कौन से ऑप्शन में है, बेसिक इनपुट आउटर सिस्टम तो नहीं है, बेसिक इंटरनल भी नहीं है, इनर भी नहीं है, इनपुट आउटपुट ये भी नहीं है, तो ई ऑप्शन यही बच गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस होता किसके अंदर है, बायोस होता है जी रोम के अंदर लिखा होता है, याद रखिएगा आप लोग, रीड ऑनली मेमोरी जो होती है ना उसके अंदर बायोस लिखा होता है। तो फिफ्थ ऑप्शन सही था इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो ये क्या कहता है हमें, ब्लैंक्स इंक्लूड बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट, ठीक है ना। इनमें से बूट फर्मवेयर जो है ना और पावर मैनेजमेंट, ये काम जो है ना वो कौन कर रहा होगा आपका, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, जब भी आपका कंप्यूटर बूट होएगा, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर बूट होने की, तो कंप्यूटर बूट होएगा तो सीडी रोम का तो कोई मतलब है नहीं। इंटरनल बसेस, बसेस कब काम करती है, बसेस काम करती है आपके सीपीयू के पास कोई डेटा पहुंचाने में हेल्प करेगी, दैट इज योर बसेस, उसको आप बसेस कह दोगे, ठीक है सर जी। अच्छा चिपसेट, चिपसेट तो पूरे लगे रहते हैं, चिपसेट तो एक आईसी भी चिपसेट ही रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो आपके बूट में जो हेल्प करता है वो बायोस करता है, आपका जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऑन होता है ना वो आपका काम होता है किसका, बायोस का। रैम क्यों बोल रहे हो बेटा, रैम तो बाद की बात है, पहले तो जो आपका रोम होता है ना वो काम करेगा, रैम तो रनिंग कंप्यूटर में हेल्प करता है, याद रखिएगा, जब कंप्यूटर चल रहा होता है तब, लेकिन चलाना है, बूट करना है, ऑन करना है, उस टाइम पे बायोस, रोम, बूटिंग प्रोसेस सुनी होगी तुमने, बूटिंग होती भी जैसे दो टाइप की होती है, ठीक है ना। बूटिंग, बूटिंग दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी कौन सी, कोल्ड बूटिंग होती है, एक आपकी कौन सी होती है, एक आपकी होती है वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग के अंदर क्या आता है आपका, कोल्ड बूटिंग के अंदर आपका आता है कि एक कंप्यूटर को आपने क्या कर दिया है, शट डाउन कर दिया है, ठीक है ना, कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, पावर ऑन ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, उसको आप लोग कोल्ड बूटिंग कहोगे। वार्म बूटिंग में कंप्यूटर को आप लोग क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्टिंग, कंप्यूटर की रीस्टार्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हो आप लोग, वार्म बूटिंग के नाम से जानते हो। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस चेक टू एंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। अच्छा ये कौन बताएगा हमें, बताइएगा कौन एंश्योर करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे जो है ना वो कंपोनेंट हमने लगा रखे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक लगा रखे हैं, सारे कनेक्टेड बिल्कुल ठीक है, एंश्योर ये कौन करता है बताइएगा। बूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, एडिटिंग करता है, सेविंग करता है, विच प्रोसेस चेक एंश्योर द कंपोनेंट। एक सेकंड रुकना, आज स्टूडियो पे लाइट नहीं है। क्या आंसर दे रहे थे आप बताना। हाँ जी, राइट आंसर इस सवाल का बूटिंग ही है, बूटिंग प्रोसेस ही जो है ना यही इंश्योर करेगी कि सारे आपके कंपोनेंट जो है ना वो राइट और प्रॉपरली जो है ना वो कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो क्या है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप अ पीसी, क्या होता है जब आप अपने पीसी को बूट अप करते हैं, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट होता है पीसी आपका, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होती होगी। क्या है कि पोर्शंस आपका जो है ना ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इन टू मेमरी, बिल्कुल ठीक बात है ये, इसमें कोई दोराई नहीं है। एक बार उससे पहले मैं और पढ़ लेता हूँ, पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमरी ऑन टू डिस्क,
मेमोरीज नहीं, ये तो उल्टा हो गया, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, नहीं जी, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुल, नहीं जी, पीसी गेट स्विच ऑफ, नहीं जी, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। सर समझा तो दीजिएगा, आपने खुद ही समझ लिया, हमें तो बताया नहीं, बता देते हैं यार, ऐसी क्या बात है, भेदभाव थोड़ी ना करेंगे। कोई तुमसे अगर ये पूछे कि कंप्यूटर, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, ठीक है ना, व्हेन कंप्यूटर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है ना, जब एक कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कहाँ रहता है, और अगर एक कंप्यूटर जब जो है ना ऑन हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ जाता है। तो ऑफ रहता है तब वो रहता है हार्ड डिस्क के अंदर रहता है, याद रखिएगा, और जैसे ही वो ऑन होता है तो वो आता है रैम के अंदर, याद रखना। तो सर हार्ड डिस्क भी तो मेमोरी है, रैम भी तो मेमोरी है, नहीं बेटा दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? हार्ड डिस्क को कहा जाता है क्या, स्टोरेज कहा जाता है, याद रखना, और रैम को कहा जाता है मेमोरी कहा जाता है। सर क्या बोल गए आप, थोड़ा समझाइए, दोनों कंफ्यूजन से हो गए वर्ड आपके, समझाते हैं दोबारा। देखो हार्ड डिस्क और आपका सेकेंडरी और प्राइमरी का लोचा है सारा, प्राइमरी मेमोरी को ही मेमोरी कहते हैं, मेमोरी वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी। क्या कहा सर ने दोबारा, आई रिपीट अगेन, मेमोरी वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा मतलब पेन ड्राइव आएगी उसको स्टोरेज कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहोगे। अच्छा सर फिर सीडी को क्या कहोगे, स्टोरेज ही कहेंगे, फ्लॉपी को क्या कहोगे, स्टोरेज कहोगे। मतलब तो सर मेरे पेपर में यूं सवाल आ जाए कि मेमोरी वर्ड इज यूज फॉर ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, नन ऑफ दीज, तो मैं बोथ ना लगाऊं, हाँ बिल्कुल नहीं लगाना, तो क्या लगाओगे, सिर्फ प्राइमरी मेमोरी। तो मेमोरी वर्ड इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी के लिए स्टोरेज होता है। तो क्या है कि जब भी कभी आपका कंप्यूटर बंद रहता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोकल डिस्क सी जो आप पढ़ते हो ना वहां स्टोर रहता है, समझिएगा, हार्ड डिस्क में मतलब स्टोरेज में, जैसे ही ऑन होता है वो आता है रैम में, रैम में आता तो है पर इसको यहां से यहां लेके कौन आता है, लेके आता है इसको रोम, और रोम में भी सर ने अभी एक नाम लिख रहे थे, क्या नाम लिख रहे थे, बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है ना, कौन लेके आता है, बूटस्ट्रैप लोडर लेके आता है। इस बात को अगर समझ गए ना आप लोग तो एक बार दोबारा सवाल पढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा सा याद हो जाए आपको, क्या कि व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप ए पीसी, क्या होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, बूट अप ए पीसी मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हो, ठीक है ना। तो क्या कि पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो हिस्सा है ना, आर कॉपीड, कॉपी हो जाता है किसके अंदर, डिस्क इंटू, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क होगी, डिस्क इंटू कह दो, स्टोरेज इंटू कह दो आप लोग, या हार्ड डिस्क इंटू कह दो आप, कहीं से भी समझो, इंटू मेमोरी, और मेमोरी का मतलब समझ लो रैम होता है, हार्ड डिस्क से रैम में आ गया, लेके कौन आया, लेके आया उसका नाम सर ने बताया था बूटस्ट्रैप लोडर, और ये कहां होता है, ये रोम के अंदर होता है। अगर समझ में आ गया तो थंब प्रेस करके जरूर बता देना कि हाँ गुरुजी अब समझ में आ गया मुझे, ठीक है ना, डाउट रह गया तो पूछने में भी बिल्कुल हिचकिचाट मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे जेठ तो लगता नहीं हूँ, तुम शर्माओ मुझसे पूछते हुए, हाँ पूछ सकते हो आप लोग मुझसे दोबारा सवाल अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बूटिंग। अच्छा बूटिंग वर्ड का ही मतलब ही क्या होता है भैया, ऐसे बूटिंग वर्ड को ही क्या समझते हो आप लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ने, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग टू द कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ पोजीशन, मुझे तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बाकी मैं बाकी ऑप्शन पढ़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन इस को मैं आंसर कह सकता हूं, लेकिन आंसर कभी ऐसे मत दिया करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नियर नियर बाय ऑप्शन रहते हैं आपके, कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर को आप लोग बंद से चालू करते हो, वही तो बूटिंग होता है। दूसरे में क्या है, कनेक्टिंग कंप्यूटर टू द इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करना तो नहीं बेटा, ठीक है ना, मैं यूं कहूं कि मैं किताबें लेके आ गया हूं, किताबें लाने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा इंक्रीजिंग द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, भाई मेमोरी की तो कोई बात ही नहीं है बूटिंग के अंदर, ठीक है ना। अच्छा प्रोसेस ऑफ शट डाउन, नहीं बंद करना नहीं है, ऑन करना है, तो बात ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है मेरा, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक आंसर आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब 33 है जो भी है, ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सारे प्रीवियस है ये, ठीक है ना, सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया वाले सवाल हैं, देखते जाना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं मतलब पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से बताइएगा आप लोग कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आसान है, ठीक है ना। देखो
मैं अगर कहूँ लाइनेक्स इसका सही आंसर होगा, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। लाइनेक्स कौन से ईयर में आया था, 1991 के अंदर आया था। किसने बनाया था इसको, बनाया था रेड हैट कंपनी ने बनाया था, याद रखिएगा, रेड हैट कंपनी ने बनाया था लाइनेक्स को, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया। मोजिला क्या है, मोजिला एक आपका होता है ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जानते हो, ब्राउजर है, मतलब जिसमें आप लोग इंटरनेट की एक्टिविटी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कोई चीज आपकी, ठीक है ना। इंटेल 8085 ये एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, बहुत ही पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। जब भी कभी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा जाता है तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसकी रेफरेंस लेके आजकल के प्रोसेसर को समझा जाता है, समझिएगा। डीबगर, देखो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बीयूजी बग, तो बग का मत, सॉरी डीयूजी लिख दिया मैंने, तो ठीक है ना, बीयूजी लिखना है, बग। बग का मतलब होता है कि एरर इन आर प्रोग्राम, ठीक है ना, इसको क्या कहोगे आप लोग, ठीक है ना, एरर इन प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है उसको बग कहा जाता है, और उस एरर को निकालना क्या कहलाएगा, उस एरर को निकालना डीबगर कहलाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, क्रोम का मतलब भाई ये भी ब्राउजर ही, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है वैसे के वैसे गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। गूगल खुद एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, और ऐसे सर्च इंजन तो पता नहीं कितने ही होंगे आपके, मैं आपके लिए सर्च इंजन भी लिख ही देता हूं, वैसे तो आप लोगों को याद होंगे, पर फिर भी दो चार सर्च इंजन लिख देता हूं, याद रहेंगे आपको। जैसे एक तो आप लोग पढ़ा करते हैं GOOGLE, गूगल, प्यार से इसको गुलगुली बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। और क्या पढ़ते हो आप लोग, DUG, डुग डुग नाम का भी आपका जो है ना वो भी एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग पढ़ा करते हो किसको, गुरुजी नाम का भी एक सर्च इंजन पढ़ा करते हो। इसके अलावा आप लोग जो है ना, तीसरा हो गया, चौथा आप लोग पढ़ा करते हो MSN पढ़ा करते हो, पाँचवा आप लोग पढ़ा करते हो बींग नाम का सर्च इंजन भी पढ़ा करते हो, छठवा आप लोग पढ़ा करते हो मामा जी नाम का भी सर्च इंजन पढ़ा करते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप लोग डक, DUCK, ठीक है ना, डक नाम का सर्च इंजन भी पढ़ते हो। इसके अलावा आप लोग पढ़ते हो अल्ता विस्ता, ठीक है ना, अल्ता विस्ता, अल्ता विस्ता भी सर्च इंजन पढ़ते हो। इसके अलावा आप लोग पढ़ा करते हो याहू नाम का भी सर्च इंजन पढ़ा करते हो। ये ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, इनमें आप लोग चीज़ों को सर्च किया करते हो। कोई एक आधा तुम्हारे याद आ गया हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है ना। कोई सर्च इंजन तुम्हारे याद आ गया क्या, याहू तो मैंने बता ही दिया, मामा जी बता दिया मैंने, डक नाम का भी मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। कोई एक आधा और याद आ जाए तो बता देना तुम लोग, ठीक है, एक बार के लिए इतने ही याद आ रहे हैं अभी इमीडिएटली, तो होते हैं वैसे और भी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 37, ठीक है ना। लाइनेक्स, लाइनेक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अच्छा बड़ा बढ़िया है भैया, लाइनेक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये तुमसे पूछने की कोशिश की है उन्होंने, ठीक है ना, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पहला शेयरवेयर, अच्छा शेयरवेयर होता क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो शेयरवेयर होता है, एक होता है फ्रीवेयर, ठीक है ना। देखो फ्रीवेयर पहले बताता हूँ आपको मैं क्या होता है, फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑलवेज फ्री हो, ठीक है ना, ऑलवेज फ्री अवेलेबल हो ऑन इंटरनेट, हमेशा फ्री में मिले। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके आगे, 360 टोटल सिक्योरिटी, ठीक है ना, 360 टोटल सिक्योरिटी एक एंटीवायरस का नाम है आपका, ठीक है ना, एंटीवायरस का नाम है जो बिल्कुल फ्री में पड़ा है इंटरनेट पे, इसके भरोसे ये खुद कहता है भैया देखो क्या है कि मैं तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हारा मन लगाने के लिए बैठा रहता हूँ, वायरस वायरस निकाल लूँ ना निकालूँ देखो इस पे मेरे पे पूरा भरोसा मत रखना, तुम्हारा मन लगा रहेगा कि हाँ मैं बैठा हूँ तुम्हारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर जब ऑन करोगे तो बातचीत कर लिया करेंगे, बीच बिचाले कभी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे थोड़ी बहुत बात कर लिया करेंगे, नौटंकी कर लेंगे, कुछ कुछ ऐसा होता है, मतलब फ्रीवेयर आपका है ये। अच्छा शेयरवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक महीने के लिए तो फ्री होते हैं, ठीक है ना, वन मंथ के लिए तो आपको मिलेंगे फ्री मिलेंगे ये, लेकिन उसके बाद में बेटा कहेंगे दो पैसे दो हमें, ठीक है ना, उसके बाद में मनी 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 मांगेंगे ये, ठीक है ना। आजकल तो सॉफ्टवेयर वाले थोड़े चालू हो गए, हम लोग पहले क्या करते थे, एक महीने ट्रायल यूज करते थे, फिर विंडो को उड़ा के दोबारा ट्रायल यूज करते थे, ये आजकल थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए, कहते बेटा एक महीना फ्री मिल जाएगा पर पैसे अभी देने पड़ेंगे, मतलब जैसे मान लेते कि 12 महीने का सॉफ्टवेयर है, कोई बात नहीं तुम इसे 13 महीने यूज कर लेना, मतलब एक महीना फ्री हो गया पर पैसा बेटा अभी देना पड़ेगा। बड़े सलाह हो यार तुम तो, ठीक है ना, अपर लेवल के निकले ना, क्योंकि इनको पता है कि हरामखोर हो गए आजकल लोग, ठीक है ना, तो खैर क्रैक व्रैक ढूंढ लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए फ्री उसके बाद में पैसा, ठीक है, उसके बाद में। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे आपका जो है ना, ये तो कोई है नहीं हिडन टाइप का, कुछ है नहीं कमर्शियल है नहीं आपका, ठीक है ना, ओपन सोर्स होता है लाइनेक्स आपका, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका।
फिर इनकी चिक चिक शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है, 1 महीने फ्री, उसके बाद इनकी चिक चिक शुरू हो जाती है। हाँ बस ऐसा ही कुछ समझो, ये चिक चिक से मुझे याद आ गया, मतलब मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है ना, और एक लड़की है, दोनों के बीच में प्यार हुआ है, इलू इलू हुआ है, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक सब चल रहा था, ठीक है ना, सही चलते चलते थोड़े दिनों के बाद, 1 महीने के बाद में चिक चिक स्टार्ट हो जाती है, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे ही होते हैं शेरवेयर, शेरवेयर को यही समझ लो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना आपका वो नहीं है, ये बताइएगा आप लोग। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इनके अंदर से नहीं पूछा है इन्होंने, तो ईजी है मेरे हिसाब से, बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी सवाल है ये वाला। क्या आंसर है बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर, ऐसी क्या बात है, बताने में क्या दिक्कत है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग होता है, अरे सर जी यूजी तो वही कर रहे हैं, उसी से चला रहे हैं। सिम्बियन, इसको मैंने बहुत यूज़ किया, मुझे याद है नोकिया X6 करके एक फ़ोन आया करता था, 2013-14 की बात है शायद वो, ठीक है ना, या पता नहीं 12-13 की बात है शायद, नोकिया का X6 करके फ़ोन था, बहुत बढ़िया फ़ोन था, अभी म्यूजिक फ़ोन था, मस्त यूज़ करते थे, उसमें ये सॉफ्टवेयर आया करता था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। ब्लैकबेरी का खुद का है ही, सबको पता, सफारी और iOS, iOS भी होता है, सफारी नहीं है, सफारी क्या है, सफारी ब्राउज़र का नाम है, एप्पल के लैपटॉप में आप देखोगे सफारी नाम का ब्राउज़र तुम्हें ऑफिशियली मिल जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन जो है ना इसका सही है, ठीक है ना, बाकी सारे सही है आपके। 5 किसने लगाया भैया, 5 गलत है, तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज इनवैलिड इन DOS, DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनमें से जो है ना वो इनवैलिड फाइल बतानी है आप लोगों को, कि इनमें से इनवैलिड फाइल कौन सी है, वैसे याद करना है, ठीक है ना, RULUA, ठीक है ना, .BLBTT नाम का कुछ नहीं होता, मतलब उसको में कोई दिक्कत नहीं है, बैट डॉट बैट फाइल होती है, डॉट बिन होती है, डॉट BSB होती है, डॉट BTT नाम की कोई फाइल नहीं होती है, तो ये इनवैलिड है आपका इस करके, तो ये तो क्रैमिंग क्वेश्चन है, मतलब खैर हम पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें हमारे रोज की 8 बजे वाली क्लास में ना, इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग अलग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग DIR, मतलब मैं लिखवा दूंगा कि ये कौन सी वैलिड है सारी, कौन सी इनवैलिड है। DIR कमांड लिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए फाइल, DIR कमांड बताना है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, और DIR कमांड इनके अंदर से है कौन सी आपकी, तो DIR payroll.bas, ठीक है ना, ये कमांड है। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन C++, ये क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई देगा, कन्फर्म देगा, बताइएगा C++ के बारे में बताइएगा, इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका। कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और जिसने इसका आंसर दे दिया तो मुझे सी लैंग्वेज के बारे में बता दीजिएगा कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है, ये भी बता दीजिएगा आप लोग, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, दोनों बता देना इसका आंसर क्या सही होगा। C++ के फादर बताइएगा, कौन सी जनरेशन की है ये भी बता देना। C++ आपकी है 4th जनरेशन की है, ये तो चलो ठीक है आपका पता लग गया, सी 4th ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है उसका बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन C++ सी लैंग्वेज का पूछा है मैंने, सी लैंग्वेज के फादर का नाम डैनिस रिचे है, याद रखिएगा, डैनिस रिचे ने जो है ना इसको 1971-1972 के दौरान जो है ना इसको पब्लिश किया था, और ये लैंग्वेज कहाँ बनी थी, ये लैंग्वेज बनी थी USA के अंदर बनी थी, इस लैंग्वेज को बनाया गया था AT&T बेल लैब के अंदर, ठीक है ना, बेल लैब के अंदर बना था अमेरिका के अंदर, कैन थॉम्सन और जो डेनिस रिचे थे ना उन लोगों ने इसको मिलके बनाया था, याद रखना। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है सब लैंग्वेज की मम्मी जो है ना वो कौन सी, सी है। अच्छा सर सी लैंग्वेज की मम्मी बता दो, हाँ भाई सी लैंग्वेज की मम्मी है, 1960 के अंदर आई थी, उसका नाम है एल्गोल लैंग्वेज, ठीक है ना, एल्गोरिदम लैंग्वेज है, याद रखिएगा आप लोग, एल्गोरिदम लैंग्वेज सी लैंग्वेज की माँ कहलाती है, ठीक है सर। आगे बताइएगा, जावा इज रेफर टू एज ए, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है, बहुत ही इजी वाला सवाल है, जावा जो है ना वो किस तरीके की रेफर्ड लैंग्वेज की जाती है, मतलब कैसी जावा है, हाई लेवल लैंग्वेज है जावा, कंपाइलर आपकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, हार्डवेयर है, लो लेवल है, कैसी है। तो बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो आई थी ना उसका नाम क्या था, फोरट्रान था, और फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऐसी लैंग्वेज पूछ ले जिस लैंग्वेज का काम
मैथमेटिकल और साइंस पर्पस के लिए यूज किया जाता था वो लैंग्वेज फोरट्रान थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका नाम है। इसके बाद में आई थी जी कोबोल, आई थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बिजनेस पर्पस के लिए थी। उसके बाद में और कौन सी आई थी, फोरट्रान कोबोल के बाद में आपकी आई थी बेसिक लैंग्वेज आई थी। बेसिक बोले तो सर बिगेनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और ये दोनों की दोनों लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामर डिपेंड थी, अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो ही वो इन लैंग्वेज को चला सकता था, वरना तो नहीं भैया। तो बेसिक लैंग्वेज पहली बार थोड़ी सिंबॉलिक बेस आई थी आपकी, बिगेनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड पे आई थी लैंग्वेज। इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज है, इसके अलावा और पास्कल लैंग्वेज, इसके अलावा सी है, उसके अलावा सी प्लस प्लस है आपकी, इसके अलावा आपके पास में जावा लैंग्वेज है, इसके अलावा आपके पास में पाइथन लैंग्वेज है, इसके अलावा आपके पास में प्रोलोग लैंग्वेज है, इसके अलावा आपके पास में लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस रेस्पबेरी पाई वगैरह बहुत सारी लैंग्वेज है। मैंने बात यहाँ पे जावा की तो सबको पता लग गया जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा हाई लेवल लैंग्वेज तो है, कौन से साल में आई, 1991 में आई। कौन सी कंपनी ने बनाई इसको, बनाए सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया इसको, ठीक है ना, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, ये तो चलो ठीक है समझ में आ गया। किसके फादर कौन है, इसके फादर का नाम जो है ना वो है जी आपका जेम्स गोसलिंग, ठीक है ना, जेम्स गोसलिंग जो है ना इसके फादर का नाम है। ये है आपकी जावा लैंग्वेज, ठीक है। आज आप जो मोबाइल से ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो, जो मोबाइल से आप सब कुछ काम कर पाते हो, ड्यू टू जावा ही तो हो पाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज। आइए 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक एप्लेट्स। स्पेशल प्रोग्राम बनाने के लिए जो है ना आप लोग किस लैंग्वेज का, कोई भी स्पेशल प्रोग्राम बनाना हो, कोई भी आपका जैसे एग्जांपल से आपका गेम डिज़ाइन करना हो, या आज के टाइम पे ट्रांजेक्शन वगैरह आप पॉसिबल कर पाते हो, जो यूनिक आप ग्राफिक्स देना चाहते हो, सब कुछ पॉसिबल हो पाता है किससे, जावा लैंग्वेज से। बहुत गजब की है, हाई सिक्योरिटी वाली लैंग्वेज है, रॉबस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनमें से ऐसी कौन सी है जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये बताना है आपको। देखो वैसे तो आप लोगों को एक बात यहां से ये सीख लेनी है, और वो क्या सीख लेनी है कि सारी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। एक तो पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है ना, पाइथन लैंग्वेज जो है ना वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, 100% पाइथन जो है ना वो इंटरप्रेटर बेस लैंग्वेज है आपकी, ठीक है ना। एक तो आपकी ये बात सीख लेनी है आपको। इसके अलावा जो है ना आपकी जावा लैंग्वेज में एक JVM यूज किया जाता है जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, ये भी आपका कुछ कोड को रन करवाने के लिए इंटरप्रेटर पे काम करवाता है, कुछ विजुअल बेसिक में भी है तो होता है। तो पहली प्रेफरेंस तो पाइथन देनी है, पाइथन के बाद में जावा और विजुअल बेसिक की बात ठीक हो जाती है। तो इस करके पांचवा ऑप्शन जो दिया है ना आपका यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक सा पड़ रहा है हमारा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों ठीक है हमारा, कुछ हद तक, सारा नहीं है, 100% नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, अच्छा इसमें से कंप्यूटर की लैंग्वेज ही कौन सी नहीं है यही बता दो आप लोग, कंप्यूटर की लैंग्वेज ही कौन सी नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से इस क्लास का हर एक बच्चा ही बता डालेगा। जल्दी लिखो कंप्यूटर की इनमें से लैंग्वेज ही कौन सी नहीं है, और एक बार सेशन को दबा के लाइक और शेयर तो कर दो यार, हाँ लाइक और शेयर तो कर ही दो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सभी के सभी बता रहा हूँ मैं आपको। क्या ज्वाइन करोगे आप लोग, सुनील सर टेस्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेस्ट बुक के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, उसको तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर का PDF फाइल, डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन, हर रोज रात को 8 बजे पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बोले हो भैया, कमल का फूल लोटस, ठीक है ना, आपका बेसिक होती है, बेसिक का फुल फॉर्म सर ने अभी बताया, बिगेनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या है, बिगेनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म बताया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोरट्रान का फुल फॉर्म बताया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज में आई थी आपकी, फिर उसके बाद ये आई थी लोटस नाम का, कुछ आप भाषा पढ़ा ही नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत ही इजी सा सवाल इन्होंने पूछ लिया था हमसे, हमने भी बता ही दिया इनको, ठीक है।
बताइए सर, अगला सवाल भी बताइएगा कौन सा सही इसका आंसर रहेगा। मेरे हिसाब से अब बताने में तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है, बहुत ही इजी सवाल है, पूछा है तुमसे सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये सी है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, ये सारी किस प्रकार का एग्जाम्पल है। ये सारी की सारी सर ने अभी बताया है आप लोगों को हाई लेवल टाइप की लैंग्वेजेज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, वो क्या है आपका कि ब्लैंक्स इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शन। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन का एक रिटन डिस्क्रिप्शन जो है ना वो इनमें से कौन सा है। रिटन डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा लिखा हुआ, कंप्यूटर प्रोग्राम का पूरा लिखा हुआ रिटन डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस रहता है, देखो एक्सप्लेनेशन करने का इंस्ट्रक्शन भी ये कर लो ये कर लो, नहीं नहीं ये तो यूजर मैनुअल के अंदर तो फिर भी आप लोग कह देते। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये नहीं है, ये तो वो है जो आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, जैसे आप माउस से कुछ काम कर रहे हो, आप पेन से, जैसे मैं टच पेन से कुछ कर रहा हूँ, दैट इज GUI। ये दो होते हैं याद रखना, एक GUI होता है, एक होता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो सिर्फ कीबोर्ड से चलते थे, जैसे डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज CUI बेस्ड था, कीबोर्ड बेस्ड था, लेकिन वो आपका किस पे बेस्ड नहीं था, आपका माउस बेस्ड नहीं था, मतलब GUI नहीं था वो आपका। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। प्लग एंड प्ले नहीं सर जी, ये भी नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा का पूरा उसका जो लिखा हुआ आपका जो होता है, ठीक है ना, रिटन डिस्क्रिप्शन जिसको डॉक्यूमेंटेशन ही कहोगे आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36 नंबर, इसको पढ़िएगा, और ये सवाल तो शायद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी लगे, ठीक है ना, आसान भी लगे, पढ़िएगा। और क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। सर ने तुम्हें अभी बताया है, इसी क्लास में बताया है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज वाला ट्रांसलेटर प्रोग्राम, देखो सर ने कहा था तुम्हें कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है। एक आता है जिसको आप लोग कहा करते हो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना करते हो, और ये सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर तीन टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक आता है इंटरप्रेटर, दूसरा आता है कंपाइलर, और तीसरा आता है असेंबलर आता है आपका। ट्रांसलेटर कुछ है नहीं, ट्रांसलेशन कुछ है नहीं आपका। इंटरप्रेटर का काम सर ने अभी बताया था आप लोगों को, क्या काम करता है, ये लाइन बाय लाइन जो है ना प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है सर, कंपाइलर का काम होता है पेज बाय पेज आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, पेज बाय पेज करता है। इन दोनों का ही काम हाई लेवल से लो लेवल में लेके जाने का है। इंटरप्रेटर स्लो है, कंपाइलर फास्ट है, ये भी पता लग गया। असेंबलर का काम, इस सवाल का आंसर असेंबलर ही है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये मत बोलना कि असेंबली को लो में करता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज खुद ही क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज खुद ही तो लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसके अंदर निमोनिक्स कोड होते हैं याद रखना, जैसे मूव को वो MOV लिख देगा, ठीक है ना, जंप को JNP लिख देगा, क्लियर को CLR लिख देगा, ये आपके निमोनिक्स कोड होते हैं, और इनको कंप्यूटर जो है ना किस में कन्वर्ट कर लेता है, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि 0101 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके आगे है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने कुछ हद तक इसका आपको हिंट दे चुका हूँ, मेरे हिसाब से अगर दे चुका हूँ तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका बताइएगा कि ब्लैंक्स प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट निमोनिक कोड टू मशीन कोड। सभी आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर करिएगा सारे साथ के साथ, और वीडियो को लाइक भी प्लीज जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। राइट भाई, सर ने अभी तो तुम्हें बताया है, ठीक है ना, तो सही आंसर क्या आ गया इसका, असेंबलर आ गया, ठीक है ना। डीबग तो है नहीं, डीबग का मतलब मैंने अभी बताया था ना, प्रोग्राम में से एरर को निकालना, ये डीबगिंग है। भी मान लेते हैं कोई एक इंसान है, इंसान बुरा थोड़ा ना होता है, इंसान के अंदर कोई क्रूति होती है, कोई जहर होता है उसके अंदर, कोई विष होता है उसके अंदर, उस अगर विष को निकाल दिया जाए, जहर को निकाल दिया जाए, उसकी बुराई निकाल दी जाए, ठीक है ना, तो इंसान तो बहुत अच्छा है, तो उसको आप लोग डीबग करना कहते हो, ऐसे समझ लीजिएगा, डीबगिंग करना उस चीज़ को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अरे भैया बहुत बड़ा हो गया ये तो, नन ऑफ द बो पे आ जाएगा क्या बात, ठीक है अभी आ रहा है, पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, क्या द फंक्शन ऑफ असेंबलर इज, असेंबलर का फंक्शन पूछा है इन्होंने हमसे। अब तो ठीक है आपको पता लग गया, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, कंप्यूटिंग क्रिएट, ठीक है ना, अच्छा कंप्यूटिंग क्रिएट, क्या क्या क्रिएट करता है कंप्यूटिंग, ठीक है बताइएगा क्या मतलब, कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, कंपाइलिंग है ना, ये कंपाइलिंग है, हाँ कंपाइलिंग हमारा करना, कंप्यूटिंग नहीं है, ये एल है, ठीक है ना, ये आई है दोनों, कंपाइलिंग क्रिएट, एरर फ्री प्रोग्राम,
बात ठीक सी है, मैं बुरा तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना। फिर सर, स्नेक का जहर किस काम का होता है? उसको जहर निकाल दो। मैंने इंसान का कहा बेटा, सांपों का नहीं कहा, ठीक है ना। खैर, तुम बड़ा दिमाग लगाते हो बेटा, पढ़ लिया करो ना। हाँ, ऐसी चीजों में दिमाग लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ ना, तुम मजा आएगा थोड़ा सा। खैर, तो कंपाइलिंग एरर फ्री, कंपाइलर एरर को निकालता तो है, खैर उसमें तो मैं बुरा नहीं कह सकता, लेकिन एक बार थोड़ा पढ़िएगा। इसके अलावा और ऑप्शन भी है क्या? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करता, सब रूटीन का भी नहीं काम करता, एल्गोरिदम का भी नहीं करता, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। हाँ, अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना मार खा देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी करें ना, हम लोग ये और ये दोनों कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% एरर फ्री करे ही वो काम, एरर को बता देता है, फ्री करता नहीं है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा देखा जाए तो, ठीक है ना। एरर बता देना है, ठीक है ना, एरर को निकालने के लिए थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, तो वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कर देता है, फाइनल कर देता है हमारे पास में, जो फाइनल एग्जीक्यूट हो लाइक इस तरीके के लिए। तो हाँ बिल्कुल ठीक जो आंसर आ रहा है मुझे यहाँ पे, वो पांचवा ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माइनस आर द पार्ट ऑफ, बताइएगा। ये किसका एक पार्ट होता है? दिया आप लोगों ने आंसर इसका, ठीक है, क्या आंसर दिया है? नहीं, हार्डवेयर का नहीं होता, स्टेटस का भी नहीं होता, ये यूजर इंटरफेस का एक पार्ट होता है आपका, ठीक है ना, यूजर इंटरफेस का, जो आप लोग यूज करो। जैसे मेरे पास में एक यूजर इंटरफेस है ये, ठीक है ना। मान लेते कि फोन आपके पास में एप्पल का हो सकता है, आपके पास में हो सकता है कि वन प्लस का हो, या कोई भी ऐसा फोन हो, तो हर किसी के यूज का एक यूजर इंटरफेस अलग होता है, ये उसका एक पार्ट है आपका, ठीक है ना, यूजर का। हम नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टेप इन्वॉल्व टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप है वो आपका इंक्लूड होता है। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पहला क्या? वैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करने डबल क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, पर इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेन्यू। हाँ ये ठीक है, पहले तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा जिसको आप ओपन करना चाहते हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इन द टूल मेन्यू। हाँ ये भी ठीक है, जब आपका एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ऊपर आपका देखा होगा आपने, ऐसे में जो कुछ सेव रहता है, ठीक है ना, तो उस पर क्लिक करो आप लोग और ओपन हो जाएगा वहां से भी, ठीक है। ऑप्शन ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं। कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्ड, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीएफ एक्चुअली एक एक्सटेंशन का नाम पूछा है। एमएस नहीं, ये जो ऐप का आपके पास में वर्ड पैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है ना, वर्ड पैड, उसके अंदर ये आरटीएफ आता है आपका, ठीक है ना। आरटीएफ एक्सटेंशन का नाम है ये, बता सकते हो तो किसका एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म क्या है? रिच टेक्स फॉर्मेट, ठीक है ना, रिच टेक्स फॉर्मेट जो है ना इसका सही आंसर होगा आपका, रिच टेक्स फॉर्मेट। और अगर मैं कहूँ मेरे पास में नोटपैड है, नोटपैड, तो इसका क्या होता है? इसका होता है .txt, ठीक है ना, .txt, .txt जो होता है ना उसको आप लोग कहा करते हो नोटपैड का कहते हो, और रिच टेक्स फॉर्मेट जो है ना आप लोग किसका कहते हो, वर्ड पैड का नाम लिया करते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के आपके पास में जो है ना कितने से तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हो सकते हैं बताइएगा, कितने तरीके हो सकते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को आप लोग सेव कर सकते हैं। हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से आप लोग डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे?
तो देखो हमारे पास में गिन लेते हैं हम लोग करके, ठीक है ना, पता लग जाएगा हमारे पास में कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पास में सेव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन सेव से, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में होता है CTRL+ में एस करोगे तो, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में ऑप्शन होता है डायरेक्ट सेव एज का होता है, ठीक है ना, सेव एज का। चौथा हमारे पास में होता है F12 का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना, F12 का भी ऑप्शन होता है। F12 अगर हम लगाते हैं तो उससे सेव एज का मेन्यू निकलते हैं। तरीके ही है ना आपके ये। और कौन सा तरीका आ रहा है, चार ऑप्शन है क्या इसके अंदर, 1 2 3 4, कोई और भी तरीका हो तो। चार तो तरीका सिंपल है ये, सेव, कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एस मैंने बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं जिससे आप लोग जो है ना डॉक्यूमेंट को सेव किया करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या रहेगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड, बहुत ही इजी है इसका तो क्या ही बताना, मतलब कुछ मुश्किल तो लग ही नहीं रही है। इसका बताइएगा कौन सा, तीन क्यों, चौथा आपने तरीका बता दें, चार तो बता दिए मैंने। कट कमांड के लिए शॉर्टकट बताओ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। देखो तीन चीजें हैं आपके पास में, एक तो आपके पास में होता है Ctrl+ में X होता है, ठीक है ना, एक आपके पास में Ctrl+ में जो है ना C होता है, और एक आपके पास में Ctrl+ में V होता है। ये तीनों के तीनों जो है ना लिंक्ड होते हैं किससे, ये तीनों के तीनों लिंक्ड होते हैं क्लिप बोर्ड से होते हैं। सर ये क्लिप बोर्ड क्या होती है, क्लिप बोर्ड जो है ना एक टेम्परेरी मेमरी है एक टाइप की, याद रखना, आपकी MS वर्ड के अंदर इस मेमरी का यूज किया जाता है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड का मतलब जैसे ही आपने किसी लेटर को कट किया है, कट करते ही वो पहले क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। जब आप वहां से उसे पेस्ट करना चाहोगे तो पेस्ट कहां से कैसे करोगे, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करोगे आप लोग, ठीक है ना। Ctrl+ में सी का मतलब ही कॉपी, कॉपी भी कहां से होता है, कॉपी होते टाइम भी सेव होगा कहां पे, वो आपका क्लिप बोर्ड में, तो क्लिप बोर्ड से रिलेटेड है। तो ये तो आपका कट करने का मतलब सिंपली आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है, द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन ही नहीं दिया शायद, ये 500 ऑप्शन कट दिख रहा है, ठीक है ना, यही होगा आपका Ctrl+ में P, ठीक है ना, ये आपका प्रिंट करने के लिए होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा Function 12 सेव एज, F12 फुल फॉर्म, F12 का फुल फॉर्म फंक्शन की नंबर 12 है आपकी, और ये फंक्शन 12 की सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करती है डियर, ठीक है। चलो हाँ, तो बाकी ऑप्शन क्या, कंट्रोल डी क्या करता है, ये फॉन्ट ब्लॉक ओपन करता है आपका, ठीक है ना। फॉन्ट जो आपका ऑप्शंस होता है ना, फॉन्ट का जो एक आपका डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट बॉक्स होता है, वो ओपन करेगा। कंट्रोल बी से क्या करोगे, इसे आप लोग बोल्ड अनबोल्ड करोगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, सी से क्या करोगे, कॉपी करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन भी आपके आगे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आता है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, लास्ट में जाना चाहते हैं, विच कमांड इज यूज। बहुत ही साधारण सा है आपका ये क्वेश्चन, ईजी भी है। तीन की आप लोग अच्छे से यूज कर लेना, एक तो आप लोग की यूज करोगे होम की, दूसरी आप लोग की यूज करोगे कौन सी एंड की, ठीक है ना, और एक तीसरी आप लोग की यूज करोगे जिसका नाम क्या है आपका लैंडिंग की। तीन की है आपकी, तीन प्रकार की यूज है, मतलब लैंडिंग पेज कहूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं लैंडिंग पेज एंड पेज कह देता हूं चलो यहां पे भी, और होम भी पेज ही कह देता हूं चलो, ठीक है ना। होम पेज या होम की, होम की दबाओगे तो पहला ही पेज खुलेगा, दैट इज होम पेज आपका, ठीक है ना। एंड की का मतलब है एंड दबाते ही एंड लास्ट पेज खुल जाएगा। लैंडिंग पेज वाया लिंक ओपन होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, वाया लिंक। और लिंक कैसे सर, एक आप लोगों ने कभी हाइपर लिंक के बारे में शायद सुना होगा, हाइपर लिंक। और ये हाइपर लिंक कैसे बनते हैं आपके, Ctrl+ में के से बनते हैं, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। Ctrl+ में के जो है ना, इस शॉर्टकट की से आप लोग हाइपर लिंक बनाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या रहेगा, टू अंडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की। अंडू के लिए हम लोग इनमें से कौन सा शॉर्टकट की जो है ना वो यूज किया करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बताइएगा।
बहुत ही सिंपल है। सभी ने आंसर दिया ना, शाबाश। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस में जेड का जो है ना आप लोग यूज किया करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट है कि शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाना चाहते हो तो उसकी उस टाइम पे शॉर्टकट की जो है ना वो क्या होगा आपका, बिल्कुल लास्ट में जाना है तो वैसे तो देखो क्या एंड है, कंट्रोल प्लस में एंड दबाओगे तो सबसे लास्ट में चले जाओगे, लास्ट लाइन के अंदर जाके रुक जाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस में लास्ट मत कर देना, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस में जो है ना वो आपकी लास्ट। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा एक शॉर्टकट की, चलो मेरे वैसे मन में आई, मैं पूछने का दिल किया। ठीक है ना, कहाँ गया, अच्छा खाली पेज ये रहा। ठीक है, आप बताना मुझे CTRL+, नहीं चलो मैं आपसे ये नहीं पूछता, मैं आपसे ये पूछूंगा सुपर सुपर स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की ऑप्शन नहीं है वैसे, बताओ सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ। सुपर स्क्रिप्ट जो है ना इसकी शॉर्टकट की, सारी कमांड बता तो रहा हूं यार जो जो दे रखी है आपकी, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, धन्यवाद माय डियर। ठीक है ना, ठीक है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए सर सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, एक तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक इसका भाई होता है जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। ठीक है ना, एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट होता है आपका, ये दो है। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है ना इसका मतलब, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे x² लिख दिया, y² लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे आप ऊपर वाली जो पावर लिखा करते हैं, मतलब आप नीचे तो चलो ठीक है लिख दे, ऊपर कुछ लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे, इसी चीज को बोलते हो आप क्या बोलते हो, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हो। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की क्या यूज करोगे, कंट्रोल तो यूज करोगे, प्लस का यूज करोगे, शिफ्ट आप लोग यूज करोगे, ठीक है ना, और प्लस का यूज करके आप इक्वल टू दबाओगे। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में इक्वल, ये किसी ने आंसर दिया है तो उसका सही आंसर है प्रीति नेहरा ने जो है ना इसका आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का मतलब है पाओ के अंदर से मैथमेटिकल सॉरी साइंस के फॉर्मूले लिखते हो, लाइक H2O लिखा, ये 2 कहाँ आ गया, नीचे साइड लिखा गया ना आपका, आपका जैसे NaN3 लिख दिया आपने, ठीक है ना, सोडियम अजाइड ऐसे नीचे की साइड लिख दिया आपने, KNO3 ठीक है ना, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट नीचे पाओ में लिख दिया आपने ऐसे, तो नीचे की साइड आप लिख रहे हो, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में इक्वल, शिफ्ट हटा देना बस, इससे आपका इतनी सी बात इसको याद करना है आपको, जिसने भी इसका आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये क्या आंसर कर रहे हो तुम पता नहीं। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, इनके शॉर्टकट की क्या होते हैं ये पता लग गए हैं। ठीक है ना, ये तो चलो हो गया था ना आपका यहाँ पे, ठीक है ना, चलो उसके बाद में क्या है, ये सारी कमांड वैसे ऑलरेडी बताई राउंड ईयर में, ठीक है ना, कहाँ गया बेटा सवाल, येरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है ना उसको सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को क्या मतलब यूज किया करते हो आप लोग, इससे आसान सवाल तो शायद ही कोई होगा आपके लिए, इससे आसान सवाल तो शायद ही कोई होगा, सारे बता सकते हो, जल्दी से बता सकते हो, सही है,
चलिए आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि आपका कंट्रोल प्लस में सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट पूछा ना आपका, हाँ कंट्रोल प्लस में ए, पूरा को पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस में ए जो है ना इसका यूज़ करते हैं हम लोग। सर ऑल कमांड गिवन इन ऑप्शन प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है कर देते हैं जी एक्सप्लेन हम लोग, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस में ए जो होता है ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ओपन एप्लीकेशन, ठीक है ना, ओपन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कंट्रोल एच ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताता हूँ। एच ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये स्क्रीन को मतलब सी लैंग्वेज में जनरली जल्दी यूज की जाती है, जूम इन जूम आउट करता है ये उस टाइम पे, ठीक है ना, जूम इन जूम आउट करता है, एफ एल्ट प्लस F5, ठीक है। चलो अब दो और है, ये तो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच एच क्या करती है, इसका काम होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है ना, फाइंड एंड रिप्लेस जो है ना ये कंट्रोल प्लस में एच करती है। एक आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम है थ्री इडियट, ठीक है ना, तो थ्री इडियट मूवी का उसमें एक वो सीन देखा होगा तुमने, चमत्कार बलात्कार वाला, है ना, वो किसका भाषण था, उसने उसके पूरे स्पीच के अंदर जो वर्ड था चमत्कार, उसको बलात्कार से रिप्लेस कर दिया। तो एक ही वर्ड को पूरा रिप्लेस करना, ये क्या है आपका, ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस का काम, मतलब ढूंढो एक वर्ड को और उसको रिप्लेस कर देना, ये कंट्रोल एच है। कंट्रोल के क्या करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइपर लिंक, ठीक है ना, हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक आपका। हाइपर लिंक का कलर क्या होता है, कोई तुमसे पूछ ले, हाइपर लिंक का कलर होता है आपका ब्लू कलर होता है, ये याद रखिएगा, हाइपर लिंक का कलर कैसा होता है आपका, ब्लू कलर होता है हाइपर लिंक का, ठीक है ना, ब्लू कलर। लिंक क्रिएट किया जाता है आपका, जिससे आप लोग शॉर्टकट चल जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्ट बाय द यूजर इन द वर्ड। इन्होंने ये पूछा कि इनमें से हम लोग जो है ना रिफ्रेश भी कर लेता है बिल्कुल सी लैंग्वेज के अंदर, जूम इन जूम आउट भी कर लेता है, ठीक है ना, रिफ्रेश तो करते है, करता है, तो बहुत सिंपल है, खाली F5 रिफ्रेश करता है यार, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, देखो तीन चीजें आपको अलाइनमेंट वाली याद करनी है, ठीक है ना, अलाइनमेंट वाली याद करनी है, मतलब ये आपका रहा, एक आपका इधर इस साइड रहता है, ठीक है ना, एक आपका रहता है इस साइड रहता है, ठीक है ना, एक आपका जो है ना ऐसे बीच में रहता है, ठीक है ना, एक आपके साइड, ये सारे के सारे बराबर रहते हैं, ये अलाइनमेंट बॉक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करना होगा तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में एल, ठीक है। राइट अलाइनमेंट करना होगा, शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल प्लस में आपकी आर, और अगर सेंटर अलाइनमेंट करना होगा तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में ई, ठीक है ना, और अगर सारे ही इक्वल करने होंगे तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL प्लस में जे, जिसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, ये जस्टिफाई कर देना आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो ई हो गया, ए तो सबको पता है, सिलेक्ट ऑल सी पता है कॉपी होता है, बी पता है बोल्ड अन बोल्ड, डी आपको मैंने अभी बताया था कि फॉन्ट बॉक्स, ठीक है ना, इससे क्या ओपन होता है, फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। चलिए थोड़ा फॉन्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड का नाम लिया ना इन्होंने, तो बताइए इसके अंदर जो है ना आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, फॉन्ट साइज एमएस वर्ड के अंदर जो है ना, वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, बताओ कौन आंसर करेगा इसका, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का फॉन्ट साइज कितना होता है, नौ, सात, आठ, बहुत खूब, और कोई 12, बहुत खूब, प्रीति नेरा 8, अच्छा 10, 11, बहुत खूब, 11 इसका सही आंसर है, किसी ने नहीं दिया, बाद में आया है बस एक का, ठीक है ना, 11 इसका सही आंसर है, ठीक है ना, अभी आया है आंसर, चलो ठीक है, 11 इसका सही आंसर है जिसने भी अब दिया है, तो स्टार्टिंग में तो किसी ने नहीं दिया था, 11 बाय डिफॉल्ट रहता है। मैं पूछूं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, मिनिमम फॉन्ट साइज 10 या 11 नहीं बेटा, सिर्फ 11 ही होता है, ठीक है ना, फिक्स है, बाय डिफॉल्ट 11 ही होता है वर्ड का। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है,
मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दो, ठीक है ना? ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में कितना होता है? 5। अरे बाप रे बाप, इतना छोटा क्यों ले गए? हाँ, जिसने भी 8 और बेहतर कहा है ना, प्रीति नेहरा ने, ठीक है ना? सही आंसर है इसका 8 और बेहतर, ठीक है ना? अच्छा, मैनुअली मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है बताओ? मैनुअली, मैनुअली एमएस वर्ड में मैनुअली मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में है, मैं समझाऊंगा दिखाऊंगा तुम्हें क्या होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिलहाल के लिए बताओ मुझे कि एमएस वर्ड का ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम तो 8 था, मैक्सिमम बेहतर था, मैनुअली मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? 1 और 10 बस, 400 बस, 10 प्रीति बस। मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? सारे गलत होंगे, कंफर्म यहाँ पे सारे गलत होंगे, कोई सही नहीं बताएगा। 8 और 72 गलत, 8 और 110, ये क्या लॉजिक है? सबका गलत है। 11 तो बेटा कैसे होगा, मिनिमम मैक्सिमम कैसे होगा? नहीं, 10 और 500। वाह बेटा वाह, मारो तुक्के खींच खींच के। प्रीति नेहरा बेटा बेटा, अपनी लेफ्ट गाल पे राइट हैंड से जोर से थप्पड़ मार देना इस बात के लिए कि सरासर गलत बताया आपने। खैर, मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम होगा 1629, ठीक है ना? अब क्या है सर, समझाओ थोड़ा सा, लोचा समझ नहीं आया, ठीक है ना? बताते हैं थोड़ा सा कहाँ है और क्या है ये आपका, ठीक है? इसके लिए हमारे पास में हमें आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा हमें ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आके हमें सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा? हमें सर्च करना पड़ेगा WORD वर्ड। ये वर्ड ओपन किया हमने, ठीक है ना? ये ब्लैंक पेज ओपन किया, ठीक है ना? सबसे पहला काम हमें आपको दिखाना था, यहाँ से जूम करते हैं, ऑप्शन आया जूम का, ठीक है ना? ये देखो, मैंने सबसे पहले वर्ड ओपन किया है। वर्ड ओपन करते ही वर्ड ओपन करते ही सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहले आपका ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आया है बताइएगा आप लोग, ठीक है ना? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आया है सारे बताइएगा आप लोग, ठीक है? बताइए कितना आता है आपका? 11 है, सही बात है सर, 1638। अरे हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक, मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो बता देता हूँ, माफ़ करिए बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है ना? मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा 1 होगा, ठीक है ना? और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 1638 होगा, वो 1629 गलत लिखा गया, 1638 होगा। अच्छा ठीक है, बताते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी मैं वैसे टाइप करता था, ये मिनिमम आपका 11 है, मतलब बाई डिफॉल्ट 11 है ना? इसको आप लोग, मैंने कहा था कि एक ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पे क्लिक करके जो ये बॉक्स खुला है ना, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हो आप लोग, ठीक है ना? तो ये आपको देखिएगा, मिनिमम यहाँ पे 8 दिखेगा और मैक्सिमम कितना दिख रहा है? बेहतर दिख रहा है। लेकिन मैं कीबोर्ड से इसके अंदर टाइप करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से इसके अंदर मैं मैक्स मिनिमम टाइप कर सकता हूँ क्या? 1, ठीक है ना? एक फॉन्ट साइज हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैक्सिमम टाइप कर सकता हूँ मैं 1638, ठीक है ना? 1638, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 1638 वाला, मतलब मैक्सिमम फॉन्ट हो गया ये, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है आपका, ठीक है? तो ये आपके ऐसे वाले हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से अब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसे तो कि आप नहीं समझे होंगे, ठीक है? तो फॉन्ट वाली बात तो सर ने समझा दी। अच्छा, प्रीति ने यहाँ पे एक बात लिखी थी 10 और 500, ऐसी तो बेचारी ने गलत तो नहीं लिखा होगा, कुछ तो इसने सोच समझ के लिखा होगा, तो इसकी बात को भी थोड़ा सा वाजिब ठहरा देते हैं हम, ठीक है ना? और इसकी बात को थोड़ा सा वाजिब कैसे ठहराएं हम? एक सेकंड रुको भैया, जूम हो जाओ, ठीक है ना? जूम करने के लिए फंक्शन की 11 होती है, याद कर लेना, ठीक है ना? जूम इन और जूम आउट के लिए जो है ना, आप लोग कौन से यूज़ करते हो? शॉर्टकट की F11, ठीक है ना? कीबोर्ड का F11 जो है ना, उसको आप लोग यूज़ करते हो। ये हिमाचल से कोई है क्या यहाँ पे? बता दो बेटा, इसको कोई हिमाचल से है तो क्या, ठीक है ना? चलो, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो जूम परसेंटेज होता है ना, जूम परसेंटेज,
वो कितना होता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता दो, और बाय डिफॉल्ट बता दो एमएस वर्ड का, ठीक है ना? एमएस वर्ड का मिनिमम मैक्सिमम जो है ना, वो तीनों का बाय डिफॉल्ट बता दो आप लोग। बाई डिफ़ॉल्ट 100, मैक्सिमम 400 गलत है, 400 का 25 से 500 गलत है, 10 500 सही है, ठीक है ना? मिनिमम आपका है आपका 10 होता है, मैक्सिमम आपका होता है 500, बाय डिफॉल्ट होता है आपका 100, ठीक है ना? जो तुम 400 कह रहे हो वो पावर पॉइंट और एक्सेल के लिए आता है आपका, ठीक है ना? इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? विंडो प्लस टैब की का विंडो प्लस टैब तो आपका टास्क मैनेजर जो होता है ना, एल्ट प्लस टैब जैसा ही काम करता है विंडो प्लस टैब, ठीक है? तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए होता है जनरली, ठीक है? चलो खैर, अभी सवाल आपसे पूछने बहुत हो गए, क्वेश्चन पूछ और आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे हमारे पास में, ठीक है? इधर पे लेके आते हैं, एम एस एक्सेल इज यूज फॉर, चलो इसमें भी आ जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें पूछेंगे आपसे, एम एस एक्सेल इज यूज फॉर। ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे क्वेश्चन पूछने में तुमसे, ठीक है ना? ठीक है, चलो बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ठीक है ना? एम एस एक्सेल इज यूज फॉर लेटर राइटिंग, स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, पेंटिंग। किसके लिए? पेंटिंग का शॉर्ट मतलब वो एक्सटेंशन होता है BMP, ठीक है ना? बिट मैप फाइल होता है, याद रखिएगा, बिट मैप होता है इसका मतलब। अच्छा, प्रेजेंटेशन का यूज तो आपको सबको ही पता है कहाँ पे होता है, पावर पॉइंट के अंदर होता है, पावर पॉइंट, ठीक है ना? स्प्रेडशीट को एक्सेल कहते हो, स्प्रेडशीट, या इसको आप लोग जो है ना वर्कशीट के नाम से जाना करते हो, वर्कशीट, ठीक है ना? चलो मुझे आप लोग ये बताइएगा, एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? फाइल नेम मतलब सबसे पहली बार आपने जो है ना वो एम एस एक्सेल को ओपन किया, तो आपके एम एस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? एम एस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा जब पहली बार आपने ओपन किया एम एस एक्सेल को? शीट वन, बुक, बुक वन, शीट वन, DOC, बट डॉक्यूमेंट का तो कैसे ही हो सकता है, बताओ? डॉक्यूमेंट तो कैसे ही हो सकता है, डॉक्यूमेंट तो आपका एमएस वर्ड के अंदर होगा ना, डॉक्यूमेंट का तो आप तुक्का ही कहीं नहीं लग रहा। चलो शीट वाले कहीं ना कहीं कुछ तो सोच रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वन, अरे अरे XLSX, ऐसे सवाल पूछने में आता तो मजा है, कुछ ही कहो, पढ़ाने से ज्यादा मजा सवाल पूछने में आ रहा है। चलो बता देते हैं, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जो है ना क्या होता होगा, तीनों का ही बताता हूँ एक साथ में, ठीक है ना? एक साथ लिया मैंने एमएस वर्ड लिया, ठीक है ना, एमएस वर्ड लिया, दूसरा मैंने लिया एमएस पावर पॉइंट लिया, ठीक है ना, एमएस पावर पॉइंट लिया, और तीसरा मैंने लिया एमएस एक्सेल लिया, ठीक है ना? इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप जब आप ओपन करोगे तो एमएस वर्ड के अंदर होता है DOCUMENT, डॉक्यूमेंट वन, ठीक है ना? और पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? PRESENTATION, प्रेजेंटेशन वन, और एक्सेल के अंदर जिन्होंने भी बताया था बुक वन, उसका सही आंसर है बुक वन, जिसने भी बताया था उसका बिल्कुल ठीक है। प्रीति नेहरा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तीनों जवाब सही दे दिए हैं यहाँ पे, तो पिछले वाले सवाल में तो गलत थे, ठीक है, समझ गए ये तो बात आप लोग। चलो डिफॉल्ट फाइल नेम तो ये आपने यही बता दिया था, ठीक है ना? अच्छा आप मुझे ये बताइएगा इनका एक्सटेंशन बताओ, चलो एक्सटेंशन बताओ इनका, मतलब लास्ट में जो डॉट वाली फाइल होती है वो वर्ड की बताओ क्या होती है पहले, तो फिर पावर पॉइंट की, फिर एक्सेल की, तीनों की बताओ, तीनों की एक्सटेंशन क्या होती है, और मुझे सारे एक्सटेंशन बताओगे तुम 2023
2003 वाली, फिर बताओगे 2007 वाली। पहले 2003 की बताओगे, फिर 2007 की बताओगे। doc.exl। शाबाश, ठीक है। यहां तो तुम सारे ठीक हो, लगभग सारे ठीक हो, ठीक है ना, एक आधे को छोड़ के। 2003 में था ये .doc, 2007 से हो गया ये .docx। x का मतलब यहां पे XML फाइल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहां पे था 2003 तक था .ppt था आपका, लेकिन 2007 से हो गया .ppt x हो गया, ठीक है ना। एक्सेल के अंदर क्या था आपका, .xls था, और इसके बाद हो गया .xlsx हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ही हमसे क्या पूछ रहा है उसमें कोई नई बातें ढूंढेंगे हम, ठीक है। पाथवे दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अलोंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट द सिस्टम बोर्ड आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हो, कौन से पाथवे होते हैं आपके, ये बताइएगा आप लोग। पाथवे दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि राउटर हो गया, हब हो गया, इनसे आपकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या नेटवर्क लाइन होती है? नहीं सर जी, यही आपके क्या होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है ना। दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट द सिस्टम बोर्ड आर कॉल्ड, सिस्टम बोर्ड ही नाम आ गया, मुझे कुछ और पढ़ना ही नहीं था, मुझे तो बस इतना ही पढ़ना था। इतने से ही मुझे सवाल ही भी समझ में ही आ गया है। क्या समझ में आ गया? कि सिस्टम बोर्ड तो मदर बोर्ड होता है, मदर बोर्ड में क्या लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, बस बात ही खत्म, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गेटवे है, ये गेटवे क्या होता है, गेटवे टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, टू नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट डिफरेंट प्रोटोकॉल पे भी कनेक्ट कर देता है। अलग अलग प्रोटोकॉल हो ना तो उनको आपस में कनेक्ट कर देगा, ये याद रखना। अगली बात एक होता है, तुमने कभी सुना होगा ब्रिज का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ब्रिज क्या करता है, ये भी टू नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट दो सेम नेटवर्क पे करता है। गेटवे और ब्रिज में यही डिफरेंस है, ब्रिज क्या डिफरेंट प्रोटोकॉल वालों को भी कर देगा, लेकिन दो सेम नेटवर्क सेम लैन होते हैं, उनको ब्रिज कनेक्ट करेगा आपका। लॉजिक पाथ है आपके, नहीं है बस लाइंस, नहीं है नेटवर्क लाइंस, नहीं, कोई भी आंसर आपका है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ना वो कौन सा बन रहा है, इथरनेट टोकन रिंग आर एंड इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप ऑफ, अच्छा ये किसके टाइप पूछा है। अच्छा, इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस, ये सारे एग्जांपल पूछे हैं कि ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, ये पूछा तुमसे, ठीक है ना। वैन के हैं, लैन के हैं, कम्युनिकेशन चैनल के हैं, फिजिकल मीडिया के हैं, किसके इसके एग्जाम्पल हैं ये आपके। गेटवे बाहर जाने का रास्ता, सर मजा आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, मजा लीजिएगा पढ़ाई का भी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि पढ़ाई में भी आनंद आते हैं। इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस आर ए टाइप ऑफ, ये सारे के सारे टाइप होते हैं किसके, लैन के होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, इसके टाइप है। इथरनेट पे ही डिपेंड होता है ये लैन आपका, याद रखना। ये कई सारी टोपोलॉजी है, मतलब सॉरी नेटवर्किंग है, लैन है, लैन का 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है ना ये बेस्ट है आपका, याद रखना। अच्छा, रिंग है, बस है, कैसे थोड़े से एरिया में काम करती है ना, 2 किलोमीटर, एक लैब में काम करती है या एक छोटी सी बिल्डिंग में काम करती है आपकी, ये ठीक है ना। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, ये काम करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, काम कर सकती है। इसके अंदर आपका जर्नली जो है ना वो डायलअप कनेक्शन आता है, जैसे आप लोग अपने फोन से इंटरनेट चलाते हो, वो आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट और टू कंट्रीज, दैट इज वैन, दो देश या दो राज्यों के बीच में बातचीत करनी हो तो वैन है, बस बात ही खत्म। इस लैन का एक भाई होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, इसमें 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है आपका। जर्नली एक यूनिवर्सिटी के अंदर चलाना हो ना तो कैन का यूज किया करते हो आप लोग, उस टाइम पे भी याद कर लेना डियर आप लोग, ठीक है ना। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है, बस लाइन होना चाहिए था, प्रोसेसर कैसे हुआ, चलो अभी बताते हैं, इधर आइएगा, पहले वाले क्वेश्चन में डाउट क्यों छोड़ना है, इधर आइएगा, ठीक है ना।
पाथवे दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम सिस्टम बोर्ड. सिस्टम बोर्ड से सारा कम्युनिकेशन जो करता है. बस लाइन का मतलब आप यहाँ कन्फ्यूज क्यों हुए होंगे बताता हूँ थोड़ा सा. जैसे मान लेते हैं आपका ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के साथ में जैसे मान लेते हैं कि आपका बाहर का जो आपका कह सकते हो कि इसके अंदर कोई भी आप पेरिफेरल डिवाइस लगा दीजिएगा, कोई लैन कार्ड लगा दीजिएगा, कुछ भी लगा दो आप लोग, ठीक है ना. ये बस होती है, ठीक है. बस लाइन, बस लाइन क्या है, बस लाइन कनेक्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल के लिए, जस्ट फॉर कनेक्शन के लिए. इन्होंने कहा है दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स, एक साथ सबको एक साथ में कंट्रोल टाइप देना. प्रोसेसर के अंदर एक होता है सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और जो क्या प्रोवाइड करता है, जो देता है डियर टाइमिंग सिग्नल देता है. तो सबको एक टाइम पे जो ना वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सिस्टम बोर्ड से जो ना वो क्या करता है, एक टाइप से सपोर्ट देता है कि ये करना है, ये करना है, वो करना है. ये तो बस लाइन तो जस्ट लाइक ए टर्मिनल है, एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में एज ए टर्मिनल काम करते हैं, ठीक है. तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी. सिस्टम बोर्ड के ऊपर जो होता है ना मेन आपका, वो प्रोसेसर ही तो होता है आपका, ठीक है. तो चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा था. नेटवर्किंग, लैन बता दिया था, ठीक है ना. कैन बता दिया था, कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया आपका, ठीक है ना. और क्या हो सकता है आपका, लैन कैन के बाद में बैन भी होता है. एक बैन होता है बॉडी एरिया नेटवर्क, जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह है, इसको आप लोग कहोगे, ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद में क्या है आपका, और क्या हो सकता है आपका, और कोई नेटवर्किंग बताओ मुझे आप लोग. पैन, ठीक है ना. पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ आते हैं आपके, ठीक है ना. वाईफाई आता है इसके अंदर, ठीक है ना. ये आपका पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना. एक आपका वाइड एरिया नेटवर्क, चलो ये तो हो ही गया. एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे आप टीवी वगैरह चलाते हो ना, वो वाली कम्युनिकेशन, ठीक है ना. इसके अलावा और कौन सा होता है, सैन भी होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी होता है. ये कई सारे नेटवर्क है आपके. कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं सर, कम्युनिकेशन चैनल मतलब जो रास्ता होता है जहां से आपका डेटा पहुंचाते हो. कम्युनिकेशन चैनल कह दो, फिजिकल मीडिया कह दो, दोनों में एक चीज मिला के आप लोग कह सकते हो कि जैसे को एक्सियल केबल आपकी होती है, ठीक है ना. को एक्सियल केबल होगी, या आपकी ओएफसी केबल होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी आपकी, या पैरेलल लाइन टेलीफोन वायर केबल होगी, या आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होगी. ये केबल होगी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आप डेटा जब पहुंचाते हो, वाया किसके पहुंचाते हो, कम्युनिकेशन चैनल के. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं ये ट्रांसमीटर है, ये मेरा रिसीवर है, इसके बीच का ये कम्युनिकेशन चैनल होता है, और हमेशा बीच के अंदर ही जो है ना वो नॉइस ऐड होती है, याद रखना, ठीक है ना. नॉइस हमेशा कम्युनिकेशन चैनल के अंदर ही आती है, ये भी याद कर लेना है आपको, ठीक है ना. सर आपके लिए गाना बोलूं, आपकी परमिशन हो तो. हाँ बोल ही दो बेटा. आई कैन बैन पेन व्हेन मेंस एंड व्हेन. हाँ सही है लेन. बोलो, सुना दो, बोलो 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 बेटा, गाना बोलो मेरे लिए, गाना बोल दो. तुझे देखा तो ये जाना सनम, कंप्यूटर होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, बस आपकी क्लास में बस जाएं हम. ओए होए 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 होए, क्या घुमा के लपेट के मारा है, मतलब चक्कर काट के. लो मास्टर जी, हाँ तुझे देखा तो ये जाना सनम, कंप्यूटर होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बस आपकी क्लास में बस जाए हम. चलिए सजदा करते हैं इस बात के लिए हम लोग, ठीक है ना. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा और अच्छे से पढ़ रहे हो आप, और ही अच्छी बात है ये, मतलब समझ में आ रहा है. चलो फिर ठोको ताली इस बात पे, जल्दी से लाइक कर दो, और हाँ मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग सारे के सारे. सुनील सर टेस्ट बुक, सुनील सर टेस्ट बुक, ठीक है. चलो सर अच्छी बात है, धन्यवाद. अगला है द एडवांटेजेस ऑफ लैन. अच्छा लैन के भी कोई फायदे होते हैं सर? हाँ होते हैं, तुम बताओगे ना क्या फायदे होते हैं लैन के. हैं बताइएगा, लैन के क्या फायदे होते हैं, लैन के क्या फायदे होते हैं बताइएगा. शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकिंग अप योर डेटा, सेविंग योर डेटा, एक्सेसिंग द वेब, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ डेटा. बताओ क्या फायदा हो सकता है. लैन का फायदा होता है डियर शेयरिंग पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स क्या होता है भैया, पेरिफेरल्स होते हैं आपके कीबोर्ड लगा लो, माउस लगा लो, प्रिंटर लगा लो, ये सारे के सारे पेरिफेरल्स है.
कमेंट में मुझे तुम ये लिख के बताओ, प्रिंटर किस पोर्ट से कनेक्टेड होता है? प्रिंटर सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, पैरेलल से होता है? प्रिंटर सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, पैरेलल से होता है? प्रिंटर हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। हार्डवेयर तो ठीक है, पर सीरियल एक पैरेलल है, बताओ। ठीक है, सभी ने पैरेलल बताया तो मतलब सही बताया होगा, सारे तो गलत हो ही नहीं सकते, तो हो भी नहीं गलत तुम वैसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन कैन, कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होता है और कैन क्या क्या कर सकता है वो, अगर वो लैन से कनेक्टेड है तो क्या होगा? शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, रन फास्टर, गो ऑनलाइन, ईमेल, क्या कर सकता है वो आपका? पिछले वाले सवाल पे ही डिपेंड है। सही आंसर है बी ऑप्शन, ईमेल की बात करते हैं। चलो बताओ मुझे तुम लोग, ईमेल के फाउंडर कौन है? ईमेल के फाउंडर कौन है? ईमेल को किसने बनाया बताइए कमेंट में, ईमेल को फाउंडर किसने, ईमेल को मतलब बनाया किसने बताइएगा, फाउंडर ऑफ ईमेल। ईमेल को किसने बनाया, कौन से ईयर में भी आया, ईयर भी बता देना। सर ईयर तो तब बताएंगे जब आदमी का नाम याद आएगा ना, रेट अमल से नहीं है, यही तो गड़बड़ कर, तो मुझे पता था कि बोलोगे तुम। ठीक है ना, ईमेल आया था इन द ईयर ऑफ 1971, ठीक है ना, और ईमेल को बनाने वाले थे सिवा आदुरई, ठीक है ना, सिवा आदुरई, ठीक है ना, लेकिन पहली बार ईमेल को भेजा किसने था 72, तब आंसर रहता है आंसर क्या, रे टमल सिन, ठीक है ना, रे टमल सिन। ईमेल को फर्स्ट सेंड करने वाले पर्सन थे रे टमल सिन, बनाने वाले खोजने वाले सिवा अदुरई थे। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये भी याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है आपका ये। ईमेल के बॉडी पार्ट में एक टू आता है, एक आता है टू के बाद में आपका आता है सीसी, एक आता है इसके अंदर बीसीसी, एक इसके अंदर आता है आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आता है, और एक इसके अंदर आता है आपका कौन सा मैसेज आता है, मैसेज, ठीक है ना, ये सारे ईमेल के बॉडी पार्ट्स हैं आपके। टू के अंदर क्या लिखते हो, टू के अंदर आप लोग लिखा करते हो एड्रेस, लिखा करते हो कौन सा एड्रेस, जिसको आप मेल भेजना चाहते हो उसका एड्रेस लिखोगे। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ठीक है ना, मतलब कार्बन कॉपी का, कार्बन कॉपी का मतलब आप किसी तीसरे बंदे को दिखाना चाहते हो कि हाँ ये मेल मैं भेज रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने मेरे पास मेल भेज दी, साथ के साथ पापा को दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो ये मेल रहा। बीसीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अरे एक इसका फुल फॉर्म ब्लॉक कार्बन कॉपी भी होता है, ठीक है ना, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करोगे। सब्जेक्ट के अंदर आप लोग लिखा करते हो TITLE, टाइटल। कभी तुमसे पूछे कि ईमेल का समराइज वर्जन या ईमेल का मतलब टाइटल या ईमेल का शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है ना, मतलब पूरा ईमेल को मर्ज करके एक ही दान में बताना चाहिए। तो मान लेते मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी मेल लिखी, सब्जेक्ट में लिख दिया मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे नाराज, और नाराज के बदले में मैंने 2.5 किलोमीटर लंबा मैसेज लिख दिया आपको, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। मैसेज, मैसेज के अंदर तो आप अपनी वही है फीलिंग लिखोगे, भावना लिखोगे, ठीक है ना। ईमेल के प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? ईमेल के प्रोटोकॉल होते हैं तीन आपके, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं सर जी? ईमेल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ईमेल प्रोटोकॉल है ये ईमेल के, ठीक है ना, तीन होते हैं। पहला कौन सा होता है सर? पहला होता है SMTP, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है POP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है सर? तीसरा होता है IMAP, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? इंटरनेट मैसेज, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए आपकी अगर बात की जाए कि ईमेल को
भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जो है ना वो तो ये प्रोटोकॉल है, ईमेल को रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, और ईमेल को रीड करने के लिए आपका ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ईमेल को रीड करने के लिए कौन सा है, भेजने के लिए कौन सा है, पढ़ने के लिए। आपके पास में कभी भी कोई मैसेज आता है, चाहे वो आपका मैसेज आए कहाँ पे, व्हाट्सएप पे आए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आए आपके पास में, चाहे आपके पास में व्हाट्सएप के अलावा वो मैसेज आए टेलीग्राम पे मैसेज आए, ठीक है ना, चाहे आपके पास में मैसेज आए इंस्टा पे मैसेज आए, ठीक है ना, कहीं पे भी मैसेज आए आपके पास में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टा वगैरह कहीं, फेसबुक वगैरह, मैसेंजर वगैरह, वो सारा IMAP के थ्रू ही आता है। इसको ही आप लोग बोला करते हो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना करते हो इसको। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फ़ोन लाइन्स, इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है जो आपका फ़ोन लाइन यूज़ किया करता है, फ़ोन लाइन यूज़ करने वाला नेटवर्क कौन सा है बताइएगा। फोन लाइन यूज करने वाला नेटवर्क बताया किसी ने? वैन, जिसने बताया उसका सही आंसर है, ठीक है ना, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने अभी कहा था ना, डायल अप नाम का एक नाम लिया था मैंने, ठीक है ना, डायल अप कनेक्शन। जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या फ़ोन से इंटरनेट जो है ना आप लोग यूज़ करते हैं, तो इसको आप लोग जो है ना डायल अप का नाम देने वाले हैं, ठीक है ना, यही होता है आपका डायल अप। ठीक है, सो डायल अप का फंडा आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायल अप होता क्या है आपका, ठीक है ना। तो डायल अप मतलब जैसे आप लोगों ने एग्जांपल से कहा कि कैसे कि जैसे आपने इंटरनेट चलाया, तो आपके फ़ोन में इंटरनेट जो चलता है ना वो किसके थ्रू चलता है, डायल अप के थ्रू ही चलता है। इस बात को अच्छे से आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा, वायरलेस हो गया, डब्ल्यू वैन थोड़ा ना होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि ब्लैंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल्स नेटवर्क। हमारे जो नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर इनमें से जो है ना वो कौन सा होगा बताइएगा, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, कौन सा होगा? सबसे पावरफुल, वैसे तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे पावरफुल, लेकिन यहाँ पे वो कौन सा होगा आपका। ठीक है, देखो डेस्कटॉप तो वो कंप्यूटर है जो हम लोग होम यूज़ के लिए जाना करते हैं। हमारे पास में जो कंप्यूटर है वो आपका डेस्कटॉप है, ये वाला डेस्कटॉप है। इसको आप लोग ना एक टाइप से माइक्रो कंप्यूटर का भी नाम दे दिया करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा सर, नेटवर्क क्लाइंट है ये तो नहीं है, स्टेशन भी नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, सर्वर कंप्यूटर को आप लोग जो है ना कैसे कह सकते हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना आपका, वो सर्वर कंप्यूटर का नाम लिया जा सकता है आपका। ठीक है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। चलो मुझे बताओगे आप लोग कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है ना, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से बताइएगा, आज के टाइम में कहां का है, स्पीड कितनी है उसकी, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है और उसकी स्पीड कितनी है ये भी बताइएगा। फ्रंटियर USA, स्पीड कितना है, फ्रंटियर USA, ये तो सही बोला तुम लोगों ने सभी ने, ठीक है ना, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर आपका है, जिसका नाम, जो बना कब था, जो बना था आपका जून 2022 के अंदर बना था, ठीक है ना। अच्छा, जून 2022 के अंदर बना तो था, ठीक है ये, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फ्रंटियर, ठीक है ना, फ्रंटियर, और ये USA की कंपनी HP के थ्रू, हालांकि और भी कंपनियां साथ में, लेकिन मेनली HP ने बनाया। स्पीड इसका है 1.1
एग्जा FLOPS 1.1 एग्जा फ्लॉप्स जो है ना इसका स्पीड है। अच्छा, इसके बाद में आप लोगों को ये याद रखना है कि इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था जापान का फुकाकू था, याद रखना आप लोग। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस में मेजर करते हैं, FLOPS में करते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, FLOATING फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, OPERATION ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है ना हम लोग इसमें मेजर करते हैं। नेम द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, बहुत ही इजी सवाल है, इजीली बता सकते हो कौन सी है, सब पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, बताइएगा फोर्थ लेयर कौन सी है इसकी। देखो, अगर इन्होंने कहा होता ट्रांसमीटर साइड से कौन सी है या रिसीवर साइड से कौन सी है तो मुझे बताने में अलग रहता, क्योंकि ट्रांसमिट सात लेयर होती है टोटल यहाँ पे, ठीक है ना, सातों के अगर मैं नाम लिख देता हूँ तो चल जाएगा। एक लेयर होती है, पहली एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है ना, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना, एप्लीकेशन। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है आपकी सेशन लेयर, ठीक है ना, सेशन लेयर। चौथी कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट। पांचवी, मतलब चौथी तो ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ सेम सेम ही आ जाएगी कई बार, ठीक है, बीच में आएगी दोनों की ये। खैर, पांचवी कौन सी होती है, नेटवर्क। छठवीं डेटा लिंक। सातवीं फिजिकल। ये तो है ट्रांसमीटर साइड से इनके नेम, जब भी कोई डेटा भेजते हो ना तब ये नाम है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं ऐसे रहती है आपकी। लेकिन जब बात करते हो आप लोग रिसीविंग की, बात करते हो डेटा को रिसीव करते हो, उस टाइम पे पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवीं ये है, छठवीं ये है, सातवीं ये है, ठीक है ना। और कभी भी तुम्हें ऐसे सवाल में बता दिया, सीधा ही पूछ लिया, कुछ नहीं कहा ना ट्रांसमीटर ना रिसीवर, हमेशा अपने आप को रिसीवर मान के चलना है, तो पहली यही है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं छठवीं सातवीं, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा, इस बात को भी आप लोग याद कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बात है हमारे पास में, इसके अलावा बात क्या है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल काम करता है, इसके अलावा इसके अंदर UDP भी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी में काम करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी यूज होता है। दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि ये वाला प्रोटोकॉल जो है ना इसको कहा जाता है एक टाइप से कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं इसको, कनेक्शन लेस। और ये वाला जो होता है ना आपका, इसको कहा करते हो आप लोग क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब दो पॉइंट के बीच में कनेक्शन होता है उसको आप लोग कहते हो TCP/IP वाला कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और UDP आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या होता है, ये फास्ट ट्रांसमिशन करता है, और ये वाला प्रोटोकॉल क्या करता है, स्लो ट्रांसमिशन करता है। TCP/IP का एक बात और याद रखना कि कभी भी दो पॉइंट के बीच में डेटा को लॉस नहीं होने देगा। मान लेते हैं आपने डेटा को कुछ भेजा है, और भेजा है तो मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा ना डेटा, तो लॉस नहीं होने देगा, डेटा को कंफर्म कंफर्म जो है ना वो बचा के रख लेगा आपका, मतलब रीट्रांसमिट भी कर देगा। ये आपका वायरलेस होता है, वायरलेस होता है मतलब डेटा पैकेट लॉस होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, यहाँ पे संभावना रहती है, यूँ समझिएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर का और भी क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जहन आपका ना, ऊपर वाली तीन लेयर जो अभी मैंने बताई थी और नीचे वाली तीन लेयर थी, ऊपर वाली तीनों लेयर को कहा करते हो आप लोग जहाँ सॉफ्टवेयर लेयर कहा करते हो, और नीचे वाली तीनों लेयर जो मैंने बताई थी उनका नाम होता है हार्डवेयर लेयर होता है आपका, ठीक है ना, हार्डवेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन, नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो है ना वो कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट। इसलिए इसको OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। OSI बोले तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI का हार्ट किसे कहते हैं, OSI का हार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। और क्वेश्चन आपका इसके अलावा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, ये डेटा को सेगमेंट में तोड़ती है, ठीक है ना, डेटा के सेगमेंटेशन करती है, याद रखना, डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बना देती है, इसका काम जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही है। डेटा को पैकेट सेगमेंट्स में जो है ना एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कौन सा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन
OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आर्किटेक्चर, द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय, बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है पर जरूरी बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। कंटेंट तो बेटा रिच कंटेंट है, मजा आ रहा है, कंटेंट तो यूं समझिएगा ऐसा है। कंटेंट अच्छा है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे तो और ही ज्यादा अच्छा लग जाएगा। सर पीडीएफ मिलेगा क्या? अरे बेटा क्या बात कर दी, पीडीएफ जरूर मिलेगा तुम्हें, दिल की बात छीन ली। तुम्हें सर्च करना टेलीग्राम पे सुनील सर टेस्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेस्ट बुक आप टेलीग्राम पे सर्च कर देना, इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे इस क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा मैं, ठीक है ना। ये टेलीग्राम पे होगा, याद रख लेना आप लोग, टेलीग्राम पे सुनील सर टेस्ट बुक सर्च करो, पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हार्ट ऑफ ओस, अच्छा प्रीति ने रानी दिल लगा दिया, मैंने कहा दिल क्यों लगाया ये। क्या है जी, प्लीज लाइक सेशन, हाँ सेशन लाइक करो हमारा। इसका आंसर क्या दिया, ओएसआई मॉडल में आर्किटेक्चर राउटिंग परफॉर्म कहाँ करता है बताओ। राउटिंग परफॉर्म होती है माय डियर आपके ओएसआई मॉडल के अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे राउटर लगा होता है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अगर तुमसे पूछा जाए कि राउटर कहाँ लगा होता है, तो राउटर आपका लगा होता है नेटवर्क लेयर के अंदर लगा होता है, इस पॉइंट को आप लोगों को याद रख लेना है, नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर्स लगा होता है आपका, ठीक है। राउटिंग परफॉर्म होती है, पाथ डेटा का यही डिसाइड करता है, ठीक है ना। डेटा पाथ इसको बोला करते हो आप लोग, डेटा पाथ, डेटा का पाथ मतलब डेटा आपका कहां से जाएगा, किधर जाएगा, कैसे होके जाएगा, ये सब बताने का काम नेटवर्क लेयर का होता है आपका, ठीक है ना। डेटा लिंक लेयर क्या करता है सर, डेटा लिंक लेयर का काम होता है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, आपके डेटा में कहीं कोई गलती तो ना हो, उस गलती को डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा कि हाँ भाई ये गलती है, और उस गलती को ठीक भी करने का काम जो है ना वो कौन करेगा, उसको भी आपका डेटा लिंक लेयर करेगा। डेटा को फ्रेम में भेजने की कोशिश करता है, ठीक है ना, डेटा के फ्रेम्स बनाता है कौन आपका, डेटा लिंक लेयर बनाता है आपका, ठीक है ना। सेशन लेयर का काम क्या है, इसको एंड टू एंड लेयर कहते हैं, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए, जैसे आपने मेरे पास में कुछ मैसेज भेजा है तो वो मैसेज पहुंचता है ना, तो हम दोनों के बीच में जो है ना वो डेटा आपका पहुंच पाएगा, मतलब कनेक्शन है कि नहीं है, एक यूं कहिएगा आप लोग फिजिकल मीडिया है कि नहीं है, तो इसको भी बात आपको यहां से याद करना है, ठीक है ना। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर, रोज डेली क्लास में जरूर आइएगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है ना, धन्यवाद माय डियर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए। एक टीचर के लिए जब पढ़ाते टाइम पे अप्रिसिएशन मिलता है तो उसको एनर्जी मिलती है, यूं समझिएगा, ठीक है ना, कि वो अगले लेक्चर को और अच्छा से प्रिपेयर करे। खैर सेशन लेयर का काम क्या था, मैंने कहा था जैसे मान लेते हैं आपका ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, जैसे आप कोई फ़ोन नंबर डायल करते हो, आपने कोई भी नंबर लिखा, आपने लिखा 9 4 6 8 1 7 3 और 4, ऐसा कुछ लिख दिया आपने, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और लिख दिया, मान लेते हैं ये लिख दिया, ठीक है ना, ये कोई भी मैंने वैसे नंबर लिख दिया, अच्छा ये कुछ नंबर मैंने लिख दिया, तो ये नंबर तो नो नंबर है, डिजिट गलत है, गलत नंबर है, तो आप क्या कहोगे, वो तुरंत आपको कह देगा डायल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द नंबर, सब ऐसा कुछ कहते हैं ना, ये सेशन लेयर ऐसे ही करती है, जिस जगह को भेज रहे उसको एड्रेस वेरीफाई करती है, ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो सर अगले सवाल की ओर जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, ये रहा मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व ब्लैंक्स पाथ एंड चैनल, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी कुछ आपको सिखाएगा ये, कन्फर्म सी बात है, बताइएगा आप लोग। वन क्या इसका सही है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या रहेगा आपका, किस में इन्वॉल्व रहता है, SBI के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्या आंसर दिया है, हाँ डेली क्लास होती है डियर, क्लास की टाइमिंग रोज रात को 8 बजे, रोज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होती है डियर डेली। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग, सुनील सर टेस्ट बुक, उस पर लिंक वगैरह भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, सुनील सर टेस्ट बुक। क्या आंसर दिया आपने,
चलो हम थोड़ा समझाते हैं आपको इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखो मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग में वन पाथ एक ही रास्ता होता है पर मल्टीपल चैनल्स होते हैं उसके अंदर, दो सर्किट होते हैं। ढंग से समझना, इसका आंसर तो बी है पर समझाते हैं इसका मतलब क्या है। एक तो होता है जिस सर्किट को कहते हो मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर, एक का नाम होता है डीमक्स, ठीक है ना, डीमक्स यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, डीमक्स। इसको कहा जाता है आपका वन इज टू, नहीं, उल्टा लिख दिया, इसको कहा जाता है मैनी इज टू वन, मैनी इज टू वन कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है वन इज टू मैनी, वन इज टू मैनी, ऐसे है। अच्छा मैनी इज टू वन है, इसमें क्या होता है आपका, ठीक है ना, तो मैनी सॉरी सॉरी भाई, मैनी इज टू वन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सर्किट है, ये कई टाइप से आते हैं आपके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जैसे 2:1 का होता है, 4:1 का आता है, 8:1 का आता है, 16:1 का होता है, 32:1 का है, 64:1 का है, ऐसा है। मतलब इसमें इतनी इनपुट और एक ही आउटपुट होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ सिंपल वाला 4:1, ठीक है ना, तो इसमें 1, 2, 3, 4 चार इनपुट होएगी, ठीक है ना। इसको जैसे आपने लिख दिया I0, I1, I2, I3, ठीक है ना, और एक ही आउटपुट होगी, इसका नाम क्या हो, इसका नाम हो गया 4:1 मक्स हो गया ये, ठीक है ना। अभी बताऊंगा इनका सबका मतलब क्या है। 1:2 many का मतलब डी मक्स लगेगा, आउटपुट साइड लगेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे भी बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं, ये ऐसे होते हैं आपके 1:2, 4:1 4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लेते हैं वन इनपुट लेके और 1, 2, 3, 4 वाला ले लिया, इसको भी आपने जैसे I0 कह दिया, I1 कह दिया, I2 कह दिया, I3 कह दिया, ठीक है ना। और ये क्या गया, 1:4 डी मक्स हो गया आपका, ठीक है ना, ये डी मक्स लगा दिया आपने, ठीक है सर। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा के आप लोग जो है ना सिग्नल आपका चलता ही रहता है, डन। कौन सी इनपुट कब आएगी, इसके लिए इनमें सिलेक्ट लाइन लगाई जाती है, ये 2 की पावर में लगता है। जैसे 4 है तो 2 का पावर 2 है, जैसे इसके लिए 2 का पावर 1 हो गया, इसके पावर 2 का 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, जितनी पावर है उतनी सिलेक्ट लाइन है। जैसे 4, 2 की पावर 2, 4 होता है ना, तो इसके 2 सिलेक्ट लाइन है, इसकी 2 है, भाई कौन कौन से सिलेक्ट हमें करनी है। इतना आपको डिटेल नहीं समझना, बस आपको इतना याद रखना है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। मान लेते हैं कि ये एक शहर है जिसका नाम है दिल्ली, ये एक शहर है मान लेते हैं मुंबई, सबको दिल्ली से मुंबई एक बस में बैठ के जाना था, एक ट्रेन में बैठ के जाना था, जाना सबको ही था, ठीक है ना। सारे आके बैठ गए इसके अंदर, सारे आके बैठ गए, ठीक है ना। अब जाना है, सब चले वहाँ पे, ठीक है ना, एक ही होके सारे चल पड़े हम लोग, वहाँ जाए मुंबई पहुँच गए, अब सारे अपने अपने रास्ते चले जाओ आप लोग। जब आप लोगों को एक ही चैनल के थ्रू मल्टीपल सिग्नल्स को भेजना होता है ना, ठीक है ना, बहुत सारे सिग्नल्स भेजने होते हैं, तब आप लोग ऐसे सर्किट्स का यूज़ किया कर हैं। ये भी बात आप लोगों के यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। टिकट, हाँ टिकट तो है सबके पास में है। क्या फैन हो गया, तो क्या पूछा आपने, क्या कहा है, ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है। चलो सर ये तो समझ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अ प्रोसेसर दैट कलेक्ट द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन मीडिया एंड सेंड देम ओवर ए सिग्नल लाइन दैट ऑपरेट एट ए हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, सर ने अभी कहा था आपको, यही चीज समझाई थी, मल्टीपल इनपुट लेके एक ही चैनल के थ्रू भेज देना, उसको ही आप क्या कहते हो, मल्टीप्लेक्सर का नाम देते हो। अभी समझाया था ना सर ने आपको, एज इट इज सवाल थे, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुश्किल है भी नहीं है, ठीक है। चलिए सर अगला सवाल बताइए, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस के अंदर जो है ना वो टोटल बिट्स कितनी होती है आपकी, ठीक है ना। इथरनेट एड्रेस के अंदर याद कर लेना आप लोग, 48 बिट्स होती है आपकी, याद करना, ठीक है ना, 48 बिट्स होती है इथरनेट एड्रेस के अंदर, ये याद करने के लिए था आपका यहाँ पे, ठीक है ना, याद करने के लिए आपका इथरनेट एड्रेस के अंदर कितनी बिट होती है तो आपको